बच्चा जन्म दे देता है। सुअर को देखो एक साथ में तो एक दर्जन बच्चा जन्म दे देता है और उनको एक महीना में उसको होनहार करके छोड़ देता है और उसको खाने के लिए भी कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल और कोई नौकरी चाकरी उसको करना ही नहीं पड़ता है। वो तो खाना पीना उसको आसानी से मिलता है। कहते ये जो जितने सब काम है खाना पीना सोना ये हर जीवन में जीव कर ही लेता है लेकिन ये मानव शरीर को फिर इतना दुर्लभ क्यों बताए? बोले केवल एक ही कारण है। कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जय पर लोक सवारा। केवल इसी जीवन में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान की भक्ति और कोई नहीं कर सकते हैं। एक ही जीवा दिया जिसमें हम भगवान के राम राम कृष्ण कृष्ण बोल सकते हैं। दो ही हाथ दिए जिसमें हम ठाकुर की सेवा कर सकते हैं। एक ही हृदय दिया जो कि आप सब कथा में आकर बैठे हो भगवान के बारे में सुन सकते हो। इसलिए बोले ये मुक्ति की दरवाजा में हम खड़े हुए हैं लेकिन अगर जीवन पा करके प्रभु की भक्ति नहीं किए फिर तो वही 84 लाख के जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए कहते जीवन रहते रहते हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए भगवान की भजन कर लेनी चाहिए। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी ये सृष्टि कैसे हुई इसकी प्रारंभ करते हैं। बोले सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई। पहले उनका एक ही सर था जब चार तरफ में देखने की इच्छा की उनकी चार सर हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा हमारी सृष्टि कहाँ से हुई फिर उन्होंने कमल नाड़ों में 1000 साल तक भटकते रहे लेकिन उनको था नहीं पाए फिर सृष्टि कहाँ से हुई। जब फिर ऊपर में उठे उन्होंने व्यंजन वर्ण का 16 और 21 उन्होंने अक्षर सुने मतलब त और उप। बोले तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या किए फिर भगवान उनको बोले ज्ञानमी परम गृहम जद विज्ञान समन्वितम सारहस्यंच तदगंच गृहाणम गदितमय। भगवान ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान की। बोले ब्रह्मा ये सृष्टि का प्रारंभ तुम करो। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उन्होंने अपना मन में चतुसन को उन्होंने सृष्टि किया सनक सनातन सनतन और सनत कुमार। बोले देखो बच्चों भगवान का आदेश है ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। बोले पिताजी घर गृहस्थी बड़े जंजाल है हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते। बोले भगवान सृष्टि किए अरे तुम कह रहे हो घर गृहस्थ में फंसोगे नहीं घर गृहस्थ नहीं करोगे। बोले नहीं। बोले अगर घर गृहस्थ नहीं करोगे ना मैं अभिशाप देता हूं। तुम जैसे जन्म हुए जिंदगी भर इसी उम्र में रहोगे। बोले पिताजी ये थोड़ी अभिशाप ये तो वरदान है। घर का बोझ किसको ऊपर में जो बड़े है बच्चे तो मस्ती से खेलते कूदते रहते हैं फिर इनकी ब्रह्मा जी की ललाट से श्री रुद्रदेव प्रकट हुए। बोले श्री भोले बाबा की जय। शंकर जी को बोले सृष्टि का क्रम प्रारंभ करो लेकिन शंकर जी कौन है? बोले ये जोगी जोगी महाजोगी देव देव महादेव सत्यम शिवम सुंदरम। अब भी कहीं भी शंकर जी की आप मूर्ति देखोगे ना देखोगे शंकर जी ध्यान में बैठे हुए। जब वो प्रभु की ध्यान लगती है ये कल्प कल्प तक प्रभु की भक्ति में डूबे रहते हैं। शंकर जी ने देखा भैया कह रहे हैं तुम घर गृहस्थी करो हम तो चाहते हैं प्रभु की भक्ति में रमे रहे लेकिन ये बड़े भाई तो मना कर दिए अगर मैं मना कर दूंगा ना फिर पिता मेरे ऊपर भी क्रोधित नहीं हो जाए। बोले ऐसे काम करो पिता अपने आप मना कर दे। फिर उन्होंने भूत पिशाचों को सृष्टि की। ब्रह्मा जी बोले ये कोई सृष्टि है ना ध्वंस कर रहे हो चुप रहो जरूरत नहीं। बोले भैया मैं तो यही चाहता था। फिर ब्रह्मा जी करदम ऋषि को सृष्टि की फिर 10 बेटे फिर ब्रह्मा जी अपना शरीर से वाम और डाण अंग से मन और सतरूपा को सृष्टि की फिर उन्होंने 3 बेटी और 2 बेटे जन्म दिए आकुति देहोति प्रसूति और उत्थान पात प्रिय। कहते जो सृष्टि की जो प्रारंभ है वो यही सही सृष्टि के प्रारंभ हुई कहाँ से? बोले श्री मनु महाराज से हुए। इसलिए हम लोगों को मानव कहलाते हैं। हमको क्या कहते हैं क्या बोलते हैं हमको क्यों मानव कहते हैं? क्योंकि मनु महाराज से ही हमारी सृष्टि की प्रारंभ हुई।
लेकिन हमारा साइंस क्या कहता है, एक डार्विन एक हुए हैं साइंटिस्ट, वो कहते नहीं हमारे जो पूर्वज लोग ना ये सबके सब बंदर थे, ये बंदर का पूछ कटते 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 जब खत्म हो गया ना फिर तक क्या हो गया, फिर हम लोग ना क्या बन गए, फिर हम इंसान बन गए। लेकिन हमारे शास्त्र कहता है नहीं, हम बंदर से कोई नहीं हुए हैं, हम सबके सबसे ठाकुर जी से हुए हैं। एक बंदर को ले आओ और ये बंदर को हमारे साथ में मिलाओ, हमारे साथ में एक बंदर मिलेगा हमारे चेहरा से ना, हमारे चेहरा ठाकुर जी से मिलेंगे। इधर देखो सबके सब, देखो इधर है ठाकुर जी, भगवान कृष्ण खड़े हैं, भगवान राम भी कहीं देखे होंगे, देखे नहीं भगवान राम को, आपका चेहरा राम कृष्ण को साथ में मिलता ना, हमारे चेहरा बंदर को साथ में मिलता है। बोलो किसको साथ में हमारी चेहरा मिलती है, बंदर से मिलती ना ठाकुर जी से मिलता है। इसलिए कहते ना तुम्हें वह माता च, उसको आगे बोलो तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह तुम्हें बंधु सखा तुम्हें वह तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन पिता अहमस्य जगत धाता माता पितामह। हे अर्जुन विश्व ब्रह्मांड का पिता माता भाई बंधु मैं हूं। इसलिए हम लोग ने बंदर से नहीं हुए, किससे हुए हैं, भगवान से हुए हैं, ठाकुर जी से हुए। देखो जितने शास्त्र पढ़ लो, हमारी भगवत गीता है, कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन मम इमांस जीव लोके जीव भूत सनातन। ये कौन कहता है, ये हमारी गीता कहती है। रामायण को पढ़ो, रामायण में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। ये क्या कहता है, ये श्री रामायण कहता है। क्या देखो क्रिश्चियन का बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा हुआ है गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, मतलब भगवान ने अपना जैसे उन्होंने इंसान को बनाया। मुसलमान ग्रंथ पढ़ लो कुरान को, वहां पर भी लिखा हुआ अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया, अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया। इसलिए कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम कोई भी, हर स्थान पर लिखा हुआ है भगवान ने अपना जैसे इंसान को रूप दिया है। इसलिए हम लोग ने कोई बंदर से नहीं हुए हैं। ये डार्विन फिर ये बात क्यों बताए, डार्विन मरने से पहले ये बोल करके जाता है ये गवर्नमेंट ने मेरे को जोर जबरदस्ती किया था, तुम प्रूव करके दिखा दो ये बंदर से इंसान में हुए। बोले क्यों, बोले लोगों को नास्तिक बनाना चाहता था, लोगों को नास्तिक बनाना चाहता था, इसलिए उन्होंने ये काम को बोल कर गया है। इसलिए हम लोग कोई बंदर से नहीं हुए, हम श्री भगवान राम से और भगवान श्री कृष्ण से हुए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो हमारे भारत में देखोगे हर व्यक्तियों का गोत्र है, गोत्र है कि नहीं सभी का, आपका क्या गोत्र है बाबा, आपका गोत्र क्या, आपका गोत्र क्या, ये गोत्र कहां से आया है। हम जिस ऋषि से हुए हैं, ब्रह्मा जी जब 10 पुत्रों को जन्म दिए, जिस ऋषि की परंपरा से हम आए हैं हमारी वही गोत्र है, इसलिए हम गोत्र कहते हैं। हम गोत्र अपना है, गोत्र आया कहां से, वहीं से आया। अगर बंदर से होता तो भैया तुम्हारा गोत्र तो बंदर ही होता, गोत्र तो तुम्हारी बंदर होता ना, इसलिए हम कोई बंदर से नहीं हुए, हम भगवान से हुए। इसलिए यहाँ पर जो कथा आती है माता देवती की कथा आती है, जब कर्दम ऋषि ने कठोर तपस्या की, भगवान दर्शन दिए, बोले वर मांगो, बोले प्रभु जी आपके चरण में हमें भक्ति दो, बोले तथास्तु, बोले और कुछ मांगो, बोले मेरे मन में तो संसार की कोई वासना है नहीं, लेकिन आपकी इच्छा ये सृष्टि का क्रम को बढ़े, इसलिए आपकी इच्छा जान करके हम संसार तो करेंगे, लेकिन दो शर्त है। बोले बोलो क्या शर्त है, बोले पहला शर्त है
आप अगर मेरे बेटे बन करके आओगे तो मैं फिर शादी करूंगा। बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बेटा बन जाऊंगा। बोले दूसरा शर्त क्या है? बोले तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए। बोले कोई बात नहीं। तब भगवान ने माता देहूती से उसको साथ में ठाकुर जी की शादी हो गई। जब माता देहूती को श्री मनु महाराज, माताएं ध्यान देकर सुनिए, जब श्री मनु महाराज अपना बेटी की शादी करवाए कर्दम ऋषि से, उन्होंने अपना बेटी को सिखा पढ़ा करके भेजते हैं। क्या सिखा पढ़ाए? बोले देख बेटी, तेरे हाथों में दो कुल का इज्जत है। कितना कुल को? जो दो कुल का इज्जत है। अगर बेटी शादी होकर के अपना ससुर घर में जाए, अगर अपना सास ससुर की सेवा करे, गुरुजन को आदर करे, सभी को सम्मान करे ना, फिर क्या बोलते हैं ससुर घर में? बोले बाप, कितने सुंदर बेटी को कितने अच्छे संस्कार दे करके बेटी को भेजे। अगर बेटी अगर उल्टा पुल्टा करती है ना, फिर क्या करते हैं ससुर घर में? क्या कहते हैं? तेरे पिता माता ने यही सिखा दिया तेरे को। इसलिए यहाँ पर मनु महाराज बेटी को सिखा पढ़ा करके भेजते हैं, ऐसे कोई काम नहीं करना जैसे तुम्हारी ससुर घर वाले हमारे ऊपर में अंगुल उठाए। इसलिए माताओं को ये चीज ध्यान में रख करके सबको सम्मान इज्जत दे करके सबको घर में रहनी चाहिए। अभी उनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई उसको बाद में फिर श्री कर्दम ऋषि ने तपस्या में फिर बैठ गए। जब बैठ गए तपस्या में, उसी समय में माता देहूती ने अपना पति की, उन्होंने बड़ी सेवा की अपना पति की। जब उन्होंने पति की बड़ी सेवा की, कितने हजार साल तक उन्होंने तपस्या की? बोले 10,000 साल उन्होंने तपस्या की। माताएं इस तरफ में देखो, सबके सब इधर इधर देखो, सबके सब देखो, मैं सामने बैठा हूं ना, मैं देखता हूँ। एक माताएं अगर कोई अच्छी साड़ी पहन करके आ जाए ना, सबके सब कथा सुनना भूल जाते हैं। वो देखते हैं कैसे साड़ी पहन करके आए। भैया क्या तुम लोगों ने साड़ी नहीं देखी? कथा समय में इधर उधर मन मत दिया करो, साड़ी तो जिंदगी भर देखते हो। इसलिए जब कथा हो इधर उधर मत देखा करो। देखो पहला दिन मैंने बताया था, श्रोता जो अच्छे श्रोता हैं वो चार ही तरह के। कितने तरह के? किसको याद है बोल सकते हो? चार तरह का कौन कौन श्रोता, किसको याद है? कौन बोल सकता है? हाथ उठाओ, कौन बोलेगा? देखो और एक बार बोलता हूं, फिर कल पूछूंगा। जो अच्छे श्रोता चार तरह के हैं। पहला नंबर हंस। हंस को दूध दो, देखना वो दूध दूध तो पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। मतलब जीवन में अच्छे चीज को ग्रहण करो और गंदी चीज को त्याग दो, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर मछली। मछली देखे हो? कौन कौन मछली देखे हो? देखना मछली का पलर कभी नहीं झपती है। कथा कैसे सुननी चाहिए? टकटक लगा करके, आंख खोल करके, आंख बंद करके नहीं। जैसे मछली आंख खुली रखती है, ऐसे मन लगा करके आंखों की खोल करके इधर उधर नहीं देखते हुए कथा को मछली जैसे कथा सुननी चाहिए। तीसरा नंबर है मधुमक्खी। जैसे मधुमक्खी हर फूलों को ऊपर बैठ करके केवल शहद शहद को ग्रहण करके बड़े सुंदर छत्ता बना देती है, फिर वो ठाकुर जी की सेवा में लग जाती है। कांटा के वृक्ष क्यों नहीं हो? देखना उसी में भी ये मक्खी में बैठ करके वहां से भी शहद को ग्रहण कर लेते हैं। मतलब है हमें जीवन में सार सार वस्तुओं को ग्रहण करनी चाहिए। चौथा नंबर है चातक। ये चातक एक चिड़िया है, ये किसी नदी का पानी, किसी तालाब का पानी ये नहीं पीता है। वो तभी पानी पिएगा जब बारिश ही हो। वो केवल स्वाधी नक्षत्र का ही पानी पीता है। मतलब है भैया कथा सुनेंगे तो किसकी कथा सुनेंगे? सुनेंगे तो केवल जीवन में ठाकुर का ही कथा सुनेंगे। दुनियादारी इधर उधर बैठ करके सारा दुनिया की उल्टा पुल्टा बात नहीं सुनना चाहिए। सुनना चाहिए तो चातक जैसे टकटकी लगा करके एक मन से भगवान की ही कथा सुननी चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।
जब माता देवती की शादी हो गई फिर क्या हुई, फिर बैठ गई भजन में। कौन ऋषि 10,000 साल तक भजन की। माता देवती अपना पति प्रता धर्म को जाजन करते हुए अपना पति की सेवा की। ध्यान देकर सुना, जो पत्नी पति की पतिव्रता धर्म को साथ में सेवा करता है, देखो इसका फल देखो क्या है। पतिव्रता को अंदर में कितनी शक्ति होती है। जब उसने सेवा की पति की, जब पति का नेत्र खुला है ना, वो भूल गए कभी उन्होंने शादी किया होता। सामने देखा है कि डोकरी बैठी हुई, बोले भैया तू कौन हो, बोले आप क्या भूल गए कभी शादी किया था, बोले वो तो वही देवती, वो इतने सुंदरी थी। जब अपना आंगन में खेलती थी स्वर्ग के देवता लोग भी जिनकी रूप देखकर मुग्ध हो जाती थी, इतने सुंदरी। लेकिन उसने पति की सेवा करते करते केवल वृद्धा हो गई। क्यों? पति भोजन नहीं कर रहे। जब पति भोजन नहीं करते हैं फिर पत्नी कभी भोजन कर सकती है? ऐसे नहीं घर का खाना बनाया, पति बच्चों को खिलाया ने खुद चट कर लिया, नहीं, मना करती है। जब तक पति बच्चों को भोजन नहीं कराओ तब तक नहीं करनी, खानी नहीं चाहिए। फिर पति श्रृंगार नहीं करते, स्नान नहीं करते, फिर ये पत्नी कैसे स्नान करेगी? इसलिए उसने पति की सेवा करते करते उसका जो केस था एकदम जटाजुट बन गया। यहाँ शिक्षा देती हैं माताएं श्रृंगार क्यों करती हैं। देखो हमारे भारत में माताएं सर पर कपड़ा ढकते हैं, सर के ऊपर कपड़ा ढकते हैं, किसलिए कपड़ा ढकते हैं? कहते स्त्री का जो सुंदरता दूसरे पुरुष के लिए नहीं, पत्नी की सुंदरता केवल अपना पति के लिए ही है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति है माताएं क्या करती हैं, सर के ऊपर में कपड़ा ढक करके रखती हैं। मैं जब अपना घर में था मैंने देखा हमारे घर की जो माताएं थी ना, वो सवेरे कभी मैंने श्रृंगार करते हुए नहीं देखा। माताओं को सवेरे श्रृंगार करते मैंने नहीं देखा। बोले क्यों? बोले स्त्रियां जो श्रृंगार करते किसको दिखाने के लिए? बोलो किसको दिखाने के लिए? पति को दिखाने के लिए। मैं देखता था हमारी माताएं घर में शाम को ही श्रृंगार करती थी। क्यों? पति दिन भर काम में चले जाता था, जब काम में चले जाता था श्रृंगार किसको दिखाएंगे? श्रृंगार किसके लिए? अपना पति के लिए ना। मैं देखता था माताएं शाम को ये श्रृंगार करती थी। क्यों? पति घर में काम करके शाम का ही वापस आएगा। इसलिए उन्होंने पति की, उन्होंने ऐसे सेवा की पति की, पति तो उसकी सेवा की भावना देख करके एकदम आश्चर्यचकित बढ़ गई। देखो आप लोग यहाँ पर देखता हूँ माताएं ना सबके सब सर पर कपड़े देकर बैठे हुए, बहुत अच्छी बात है। देखो माताएं जब तक आप ये संस्कृति को रखा करोगे ना, समझना घर में शांति सुख बनी रहेगी, घर में शांति सुख रहेगी, घर में शांति रहेगी। लेकिन अभी जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, विदेशी कल्चर है, पहले कभी देखना नहीं माताएं, आप लोग बुरा मत मानना, ये आप लोग बुरा चीज नहीं मानना। एक बार दीति ने अपना केस को खोल करके सो गई, इतने में इंद्र ने उसकी गर्भ में प्रवेश करते हुए अदिति की बच्चों को उन्होंने 49 टुकड़ा उन्होंने कर दिया। इंद्र को पता चला इसकी गर्भ में जो बच्चा है मेरे शत्रु बनने वाला। इंद्र सुजग ढूंढ रहा था कब इसकी अंदर में मैं प्रवेश कर जाऊं, अगर थोड़ी सी कोई त्रुटि हो जाए ना मैं प्रवेश करूं। एक दिन अदिति ने भूल से किया कि केस खोल करके, अदिति ने केस खोल करके सो गई। जब केस खोल करके सो गई इतने में इंद्र ने अंदर में प्रवेश किया, 49 टुकड़ा कर दिया। इसलिए यहां पर शिक्षा देती है माताओं को कभी केस नहीं खोलनी चाहिए, कभी केस उनको खोल करके नहीं रखनी, ये अच्छी चीज नहीं। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर है जो अभी माताएं केस को खोल कर रखते हैं। लेकिन नहीं, देखो आपका घर में देखो यहाँ पर देखो जितने माताएं सब केस बांध करके बैठे, केस खोल करके नहीं, ये हमारी पुरानी संस्कृति यही चीज है। इसलिए सर पर कपड़ा ढकना है, अपना गुरुजन की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, गुरुजनों की आदर देना, ये हमारी हिंदू संस्कृति है। लेकिन धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हमारी कल्चर को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे भेड़ चाल होता है ना, भेड़ चाल जानते हो? एक भेड़ को अगर किसी तरह से पानी में, वो छलांग लगाना नहीं चाहते, एक भेड़ को उठाकर पानी में फेंक दो, देखना सारे भेड़ उसको
एक के बाद एक छलांग लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें ये लगता है ये वेस्टर्न जो कल्चर है इनके खान पान रहन सहन से आप बहुत बढ़िया, नहीं एकदम गंदी चीज है। उनको देश में मैं जाता हूँ विदेश जाता हूँ, कोई भी बच्चे को आप उसकी पिताजी का नाम पूछ नहीं सकते, किसी बच्चे को उसको पिताजी का नाम पूछ नहीं सकते। क्यों? पता ही नहीं उसका पिता है कौन। वहां पर पिताजी के परिचय में परिचय नहीं, माताजी के परिचय में परिचित है। लेकिन हमारी संस्कृति में कोई माताजी का नाम नहीं पूछता है। किसका नाम पूछता है? किसका नाम पूछते हैं? पिताजी का नाम पूछते हैं। क्यों? उनको देश में पता नहीं किसी किससे उसका जन्म हुआ है, उसको पता ही नहीं जन्म किससे हुआ है और उससे। इसलिए इतनी गंदी कल्चर है, इतनी गंदी कल्चर है। इसलिए आप लोग कोशिश करो हमारी संस्कृति को देखो। पहले माताएं ज्यादा लिखी बड़ी नहीं होती थी, ज्यादा लिखी बड़ी किस कुछ माताओं को मैं जब माला देता हूँ मैं पूछता हूँ कुछ पढ़ी हो, बोले हमारी उम्र में तो स्कूल में जाने नहीं देती थी, बस थोड़ी सी बड़ी हो गई शादी करवा दिया, बस थोड़ी सी ई हमने सीख लिया, बोले एक दो क्लास पढ़ लिया बोले हो गया, हिसाब किताब करना हो गया, अभी तुम घर में रहो। इसलिए घर में शादी टिकी रहती थी, शादी बड़े बूढ़ों को बच्चों को डाइवोर्स नाम सुने। लेकिन अभी भारत में 30% डाइवोर्स हो गया, क्योंकि हम कहते नहीं हम तो पुरुष के सब बराबर अधिकार होनी चाहिए। नहीं ये हमारी संस्कृति नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं। अब बताओ जिंदगी भर दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक रहेंगे ये ठीक ना? शादी के बाद जैसे कपड़ा बदला तो पति को बदलाओ पत्नी को बदलाओ। जितने ज्यादा लिखी पढ़ी जितना हो रही है उतना ही ज्यादा गड़बड़ी, उतना ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। इसलिए हमारी पहले का जो संस्कृति है वो अच्छी संस्कृति है। जब तक ये संस्कृति हमारी बचेगी समझो घर में हमें शांति सुख में हम रह सकते। थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होता है पति पत्नी लेकिन फिर आपस में सही हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं अभी शादी हो गई ज्यादा जितने ज्यादा लिखे पड़े हैं थोड़ी सी कुछ हो गया बोले तू जा और मैं जा रहा। इसलिए यहाँ पर माता देहूती पति की सेवा करते करते बूढ़ी हो गई, बोले बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले भगवान से वरदान क्या मांगा था? बोले आप मेरे बेटे बन करके आओ, आप मेरे बेटे बन करके आओ। तब उन्होंने बोले जाओ तुम ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करते ही अपूर्व सुंदरी बन करके प्रकट हो, अपूर्व सुंदरी। उन्होंने एक विमान सृष्टि की जिसका नाम था कामक विमान। देखो पहले का जो साइंस है अभी का साइंस से बहुत एडवांस था। कामक विमान मतलब क्या है? जिसमें पेट्रोल डीजल की कोई जरूरत नहीं, जैसे चाहोगे वैसे आकाश में विमान उड़ेगा। आप लोग सुने होंगे रावण के पास में पुष्पक विमान था, है ना? देखो पुष्पक विमान इच्छा करते ही अपने विमान उड़ता था, कोई पेट्रोल डीजल की कोई जरूरत नहीं होती थी। और वह वर्णन किया है वो विमान इतने बड़ा विमान था जिसमें सुंदर सरोवर है, सुंदर फूल खिले हुए, जिसमें सुंदर जहां पर राजमहल बना हुआ है, जिसमें 6 ऋतु एक साथ में बहती, जिसमें और जिसमें बैठो ना कोई बूढ़ा बूढ़ी कभी नहीं होगा, ठंडी गर्मी नहीं लगेगी है। ऐसे अद्भुत अद्भुत उन्होंने विमान को सृष्टि की और वे विमान में बैठ करके उन्होंने आकाश में भ्रमण करते रहे। और इनकी नौठ हो बड़ी सुंदरी सुंदरी प्यारी प्यारी नौठ हो उनकी कन्या हुई है। करदम ऋषि बोले देवती अभी तो खुश हो गई ना, तुम्हारी नौ नौ बेटी हो गई है अभी तो खुश हो? बोले नहीं अभी तो ठाकुर जी बच्चे बन करके नहीं आए, ये बेटियां तो शादी होकर अपना ससुर घर चली जाएंगी। फिर उन्होंने अपना पति देव की सेवा की तो फिर भगवान स्वयं श्री कपिल मुनि रूप में जन्म लेते हैं। बोले श्री कपिल भगवान की जय। जोर से बोलो बोले श्री कपिल भगवान की जय। देखो इन्होंने भगवान से बोले थे तब तक रहूंगा जब तक घर में संतान नहीं हो जाए, लेकिन घर में भी बेटियां आ गई। बेटी आ गई तो क्या करनी चाहिए? सबसे पहले बेटियों को शादी दो, ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। लेकिन घर में कितने बेटी? बोले 9-9 बेटी घर में। आप लोगों ने कोई बेटी को शादी दिलवाया हो? कौन कौन बेटी की शादी दी हाथ उठाओ तो, कोई हाथ उठाओ कौन कौन बेटियों को शादी दी हो?
देखना जब एक बेटी को शादी देते हो ना, देखना घर खाली हो जाती है, लेकिन इनके घर में कितनी कितनी बेटियां हैं, नौ नौ घर में बेटियां हैं, नौ नौ घर में बेटियां, और कितना कष्ट होगा बताओ बेटियों की शादी देने का। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं, कहते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर आप भगवान की भक्ति करोगे ना, ठाकुर जी सारे काम अपने आप कर देंगे। नरसिंह भक्त का नाम सुने हो, ये दिन भर प्रभु का भजन करता था, अभी घर में इनकी बेटी है, अभी बेटी को शादी कौन करवाए। स्वयं ठाकुर जी बांके बिहारी, स्वयं नरसिंह भक्त का रूप धारण करते हुए ठाकुर जी स्वयं उनकी बेटी की शादी करवाते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी अपना नौ बेटों को लेकर घर में आए, अपना दामाद से मिलने के लिए जब आए, देखा भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, नौ ऋषि और उनकी नौ बेटी बड़े पतिव्रता, बड़ी सुंदरी थी। बोले भैया शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र कर दो। तो उन्होंने एक साथ में नौ बेटियों की शादी करवाई, घर खाली हो गए, घर सबके सब खाली हो गए। अभी घर में तीन व्यक्ति, पति पत्नी और श्री कपिल मुनि है। अभी पतिदेव, करदम ऋषि फिर भगवान की भक्ति करने के लिए घर से चले गए। तो यहाँ पर प्रश्न होता है, बोले भैया तुम भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, भगवान तो तुम्हारे घर में बैठे हैं, ठाकुर जी तुम्हारी घर में बैठे, फिर भक्ति करने के लिए किसको जा रहे हो। यहाँ शिक्षा देते हैं, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भैया भगवान भी सामने आ जाए कोई लाभ नहीं होगा। जैसे रावण, रावण ने राम को देखा कि नहीं बोलो, देखा है ना, तो उन्होंने किया क्या, भगवान के साथ में युद्ध किया ना, युद्ध किया ना ठाकुर के साथ में। कंस कृष्ण को देखा कि नहीं देखा, फिर उसने किया क्या, वो भी भगवान के साथ में लड़ाई की। मेघनाथ भी ठाकुर जी को देखा, लेकिन उनको नाग भास बंधन में उनको बांध दिया। कहते फिर इनको भगवान को देख करके इनके हृदय में परिवर्तन क्यों नहीं आया, कारण है इनके हृदय में भक्ति नहीं। अगर भक्ति नहीं हो, भगवान भी तुम्हारे सामने आ जाएंगे, कोई लाभ होने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने भक्ति करने के लिए चले गए। अभी घर में माँ और बेटा। देखो ज्ञान ऐसे की चीज होती है, जिसके हृदय में ये ज्ञान आ जाए ना, उनको ये सर्वश्रेष्ठ बना देती है। अभी माँ अपना बेटे को सामने बैठ करके ज्ञान की बात पूछ रही, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाति हूँ, मन बड़ा चंचल है, बेटा बताओ मेरी कल्याण कैसे होगा। फिर भगवान ने अपना माँ को उपलक्ष्य करते हुए दिव्य ज्ञान उन्हें प्रदान की। बोले माँ ये जो मन है ये यही मैं है, इसलिए हमारी एकादश इंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, लेकिन ये इंद्रियों का राजा कौन है, कहते ये इंद्रियों का राजा मन। जैसे मन ने बताया भैया भागवत कथा हो रही है, चलो कथा सुन करके आते हैं, सारी इंद्रियां आकर बैठी गई। अगर मन बोलता रही सब कथा पता सुन कर क्या होगा, घर चलो ना, घर में टीवी खोल कर बैठते हैं, आज बढ़िया सीरियल आ रही है, देखना सारी इंद्रिया क्या करता, वहीं पर बैठ जाता, कथा में नहीं आते। इसलिए भगवान कहते हैं माँ जो मन है, भले ये मन को सही रखो, ये मन ही ये घोड़ा है, ये लगा घोड़ा है, इसलिए इसको जैसे चलाओगे हैं ऐसे चलेगी सारी इंद्रिया। इसलिए माँ ये मन को भगवान की भक्ति में लगाओगे, ये मुक्ति के कारण बनेगी। जब ये मन को विषय में लगाओगे, यही मन ही बंधन का कारण बन जाएगी। इसलिए हे माँ ये मन को तुम ठाकुर जी के चरण में लगा दो। बोले बेटा तुमने तो बोल दिया मन को लगाओ, लेकिन ये मन इतना चंचल है, कहते वायु रेव सुदुष्करम, ये वायु को कोई बंद कर सकता लेकिन मन को नहीं। ये मन एक मिनट में ही पृथ्वी घूम घाम कर चलाता, ये पृथ्वी घूम करके आ जाते, बता बेटा बताओ ये मन को स्थिर कैसे करे। बोले माँ ये मन स्थिर करने का केवल एक उपाय है, भगवान की जो भक्त है उनकी संगत कर देंगे। इसलिए कहते ना संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बिनेगी तेरी,
बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संत अन्य के संग लागी तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए माँ तुम संतों की संग करो, अगर संत की संग करोगे क्या होगा, अपा वर्ग वर्तमनी, आपा वर्ग वर्तमन मतलब प वर्ग मतलब होता है प फ ब भ और म, ये प वर्ग है। आप लोग हिंदी पढ़े होंगे ना, कचड़ थप खचड़ थप गजड़ थप, ये प वर्ग में आता है प फ ब भ म। बोले प मतलब क्या, बोले परिश्रम, बोले फ मतलब फेंट बा झांक, ब ब मतलब व्यर्थता, बोले भ मतलब भय, माँ मतलब मृत्यु। बोले माँ अगर तुम संतों की संग करोगे तो ये जितने दुख कष्ट भय मृत्यु माँ सब कुछ खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी। इसलिए माँ तुम भक्तों की संग करो, मेरी कथा को सुना। बोले बेटा तुमने तो बता दिया भक्तों की संग करो। बोले हाँ। बोले पहचानेंगे कैसे, उनका लक्षण भी कुछ बता दो। तो भगवान ने बोले माँ भक्तों का जो लक्षण है, बोले तितिक सब कारुणिक सुहृद सर्वदैना अजात सात्र वसंत साधु भी सदु भूषण। कहते संतों का पहला लक्षण है तितिक सब। तितिक सब का मतलब होता है सहन। देखो एक कहावत है ना, जो सहता है जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। देखो भक्ति जगत में हो और घर गृहस्थ में भी हो, जब तक तुम्हारी अंदर में कोई सहन शक्ति नहीं हो ना, फिर तो घर में भी लड़ाई झगड़ा चलती रहेगी, घर में लड़ाई झगड़ा चलती रहेगी। इसलिए सहन शक्ति की बड़ी जरूरत है भक्ति करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संत हुए, हाँ हमारे संप्रदाय में एक संत, वो बड़ोदे से जो आए इधर आ जाए, सामने आ जाए, सब सामने आ जाए, बलरामपुर भी इधर आ जाए। कहते जो कहते ये पहला गुण संतों का, हमारे संप्रदाय में एक संत हुए हैं, कहते इनकी मन में ना, इनके मन में ऊपर कहते इनकी कभी, इनको कभी क्रोध नहीं आता है, ये संतों को किसी परिस्थिति में इनको अंदर में कभी क्रोध नहीं आती थी। एक समय कुछ लोगों ने सोचा इधर आ जाओ, अब तीनों व्यक्ति इधर आ जाओ प्रभु जी, अब तीनों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ऊपर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी इनको कभी क्रोध नहीं आए। एक समय कुछ भक्तों लोगों ने सोचा भैया इनको किसी स्थिति में कभी क्रोध ही नहीं आता, एक बार ऐसे काम करो जैसे इनको क्रोध दिला। बोले कैसे, बोले ये रोज गंगा में स्नान करते हैं, जब ये गंगा में स्नान करते हुए आएंगे एक कचड़ा टुकड़ी लेकर रखो और उसको सर पर सीधा डाल दो। जब वो गंगा में स्नान करके आए सीधा इनके सर पर डाल दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने गए फिर गंगा में स्नान करके आए फिर दो बार डाल दिया, 100 बार इनके सर के ऊपर कचड़े डाले, लेकिन तभी भी वो संत तब भी कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले भैया उनके चरण में सब लोग गिर पड़े। बोले बाबा हम तो चाह रहे थे आज किसी तरह से आप क्रोध दिलाएंगे, लेकिन आज तो आपको एकदम क्रोध नहीं आया, आपके चरण में हमारी अपराध हो गई। बोले किस चीज का अपराध, तुम लोग जैसे मेरे मित्र कोई होगा नहीं। बोले कैसे, बोले रोज में एक बार गंगा में स्नान करता था, लेकिन आज तुम लोगों को वजह से मैंने कितना बार गंगा में नहा लिया, कितना बार नहा लिया। देखो संतों का हृदय कितना कोमल है, हैं? इसलिए कहते हैं भैया संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी नहीं पर कहीं न जाना, इनका एक गुण। बोले दूसरा गुण क्या है, बोले वसुधैव कुटुंबकम, इनकी जो भावना है संपूर्ण पृथ्वी हम एक पिता की ही संतान हैं, इसलिए तुमैव माता च पिता तुमैव, सबको अपना परिवार समझते हैं। इनका जो तीसरा गुण है ये बड़े दयालु होते हैं, बड़े ये कृपालु होते हैं। अकृत द्रोह मतलब
अगर उनको ऊपर में कोई किसी तरह का कोई आक्रमण करे, द्रोह करे, वो कभी भी किसी को द्रोह नहीं करते, किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं, ये सबको अपना मित्र मान लेते हैं सबको। इसलिए इनके अंदर में बड़ी सुंदर सुंदर गुण है, लेकिन इनके अंदर में एक विशेष गुण, देखो ये चीज आप लोग अच्छे तरह से समझो, ये भगवान खुद कहते हैं मेरी संतों में एक विशेष गुण है। बोले वो विशेष गुण क्या है? बोले मई अनन्य भावना भक्ति कुर्बंती जय दृढ़ा, कहते मेरे जो एकांत के भक्त होते हैं मेरे को एकांत रूप में मेरी भजन करते हैं। मई अनन्य, अनन्य मतलब होता है ना अन्य, और किसी को नहीं, केवल मेरे चरण में उनकी एकनिष्ठ भक्ति रहती है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं जो भक्ति है ना बहुनिष्ठ भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति केवल एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। एकनिष्ठ भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। आप लोग बताओ हनुमान जी की इष्ट कौन है? कौन बोलेगा? बोलो जोर से बोलो। इनका इष्ट राम है ना। आप बताओ गोस्वामी तुलसीदास का इष्ट कौन थे? अरे कोई बोल नहीं रहे। गोस्वामी तुलसीदास का इष्ट कौन थे? राम थे ना। आप लोग ये बोलो मीराबाई की इष्ट कौन थी? कौन थी? कृष्ण है। वो कहते ना मेरे तो गिरिधर गोपाला, मेरे तो गिरिधर गोपाला, उसके बाद में क्या है? दूसरा ना कोई। आप बताओ गोपियों का इष्ट कौन थी? बताओ गोपियों का इष्ट कौन थी? कौन थी? कृष्ण। आप बताओ सूरदास का इष्ट कौन थे? सूरदास का इष्ट कौन थे? इनका भजन है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इनकी ये सूरदास की भजन है। इसलिए आप जितने बड़े बड़े संतों को देखोगे ना, आप इनकी चरित्र में देखोगे, हाँ हरे कृष्णा, सब इस तरफ में देखो, उधर उधर मत देखा करो, अब सामने देखा करो सबके सब। भैया आप बैठ जाओ सबके सब। देखो एक काम कर सकते हो, ए भैया जो खड़े हो आप लास्ट में खड़े हो जाओ, अंदर में कोई आए उसको आने नहीं देना, जो देना है ना जब कीर्तन होगी आकर दे जाए, तब लास्ट में खड़े हो जाओ, किसको भी यहाँ आने नहीं देना, बोलना जब कीर्तन होगा आकर के जो लाए दे जाए, वहाँ खड़े हो जाओ, किसको आगे बढ़ने नहीं देना, एक भी आने नहीं पाए, ठीक है? हाँ एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ और एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुजारी प्रभु अपना बेटे को रखा नहीं कर सकते, कहाँ कोई हो। हरे कृष्ण बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। सचिन क्या बच्चा का नाम? हाँ देखो किसी एक बेटा का बेटा खो गया है, बेटा का नाम हो सकता है। इसलिए भक्ति भी एक अनिष्ट भक्ति होनी चाहिए हैं? अगर जिसको किसी शुद्ध संप्रदाय से अगर कोई मंत्र मिला हुआ हो उसको उन्हीं को एकनिष्ठ से उन्हीं की ही भक्ति करनी चाहिए, तभी जा करके आपको भक्ति में सिद्धि तभी आपको प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे जो एकांत की भक्त हैं मेरे को एकनिष्ठ हो करके वो भक्ति करते हैं, लेकिन सबको सम्मान दो, किसको असन्मान मत किया करो, सभी को सम्मान दो, लेकिन अपना जो हृदय में है ना केवल हृदय में मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई है, दूसरा ना कोई। इसलिए कृष्ण ऐसे के देवता है, ये बांके बिहारी ऐसे के देवता है। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, बोले अर्जुन देख मैं कौन हूं, ये जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड ये सब के सब मेरे अंदर में बैठे हुए,
जब जिसको तुम शंकर कहते हो, देखो वो शंकर मेरे अंदर में, जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो, देखो वो ब्रह्मा मेरे में ही है, जिसको तुम माँ देवी कहते हो, वो देखो वो देवी मेरे अंदर में, जिसको हनुमान गणेश कहते हो, जिसको तुम इंद्र चंद्र कहते हो, देखो अर्जुन ये सब के सब मेरे अंदर में विद्यमान है। हे अर्जुन, मेरे को छोड़ करके जगत में कोई परतत्व नहीं, विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में बैठे हुए हैं। जब भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को प्रणाम, अपनी आप प्रणाम हो जाता है, हैं? इसलिए ये कृष्णा, ये ऐसे के देवता श्री भगवान कृष्ण है। बोले श्री वाक्य बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए भगवान ने अपना माँ को बड़ी सुंदर सुंदर, उन्होंने माँ को उन्होंने ज्ञान की बात बताई, बता करके बोले देखो माँ, जिस समय ये जीव मरने का बाद ये जीव उसको जमदूत पकड़ करके ले जाते हैं, आप देखना मरने का बाद 13 दिन को बाद में ये शुद्धि क्रिया, ये 13 दिन को बाद में शुद्धि क्रिया होता है। बोले ये 13 दिन के बाद में ये शुद्धि क्रिया क्यों होता है? बोले जीव को एक बैतरण नदी होती है, वो नदी पार करने के लिए उसको भैया देखो हरे कृष्णा, बोले से वृंदावन बिहारी लाल, भैया देखो ये सामने बच्चों खड़े करेंगे ना, कोई कथा नहीं सुनी जाएगी, फिर सब इसको तरफ में देखेंगे, इसलिए बच्चों को बैठा दो, जो भगवान जन्म होंगे ले आए। हाँ ध्यान देकर सुनो, कथा सुनेंगे। इसलिए मरने के बाद 13 दिन बाद में शुद्धि क्रिया होता है। बोले 13 दिन बाद में क्यों शुद्धि क्रिया होता है? आप लोग मरने के बाद एक गरुड़ पुराण सुनाई जाती है, आप लोग सुने होंगे, जिस गरुड़ पुराण में ये सारी बात गरुड़ पुराण में बताई गई है, भगवान कह रहे हैं। बोले उसको एक बीच में एक बैतरणी नदी होती है, जो बैतरणी नदी उसको पार करना पड़ता है, जो नदी केवल टाटी पेशाब खून और पी का वो नदी होता है, और उसको कोड़े मार मार करके वो नदी पार कराते हैं, वो नदी पार करने के लिए लग जाता है 13 दिन लगती है। इसलिए देखना 13 दिन बाद में ये शुद्धि किया, तभी 13 दिन बाद में होती है। कहते भैया ये नदी किसको पार करना पड़ता है, कौन कौन ये नदी पार करेगा? बोले जिन लोगों ने भगवान की भक्ति नहीं किया है, भगवान के भजन नहीं करते हैं, उनको ही ये नदी पार करना पड़ता है। कहते भैया कोई भक्ति करता नहीं करता पता कैसे चलेगा? देखो ये चीज को समझ लो, ये जब महाराज जमदूत को कह रहे हैं, बोले जमदूत जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको ये बैतरणी नदी पार जैसे नहीं करे। कहते प्रभु जी पता कैसे चलेगा, कोई भक्ति करता नहीं करता कुछ लक्षण बता दो जैसे हमें पता चले जाए। तो उन्होंने बोले देखो, जैसे एक सधवा स्त्री जैसे सिंदूर लगाती है, मांग भरती है, मंगल सूत्र पहनते हैं, देखने से पता चलता है ये सधवा है। कहते उसी तरह जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके अंदर में 3 लक्षण तुम देखोगे। देखो ये जम स्वयं कहते हैं, बोले 3 लक्षण क्या है? बोले ललाटे तिलकम नास्ती कंठ नास्ती त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। कहते पहला लक्षण है उसकी गले में तुलसी की कंठी जरूर होगी, गले में तुलसी की कंठी होगा। इसलिए संत लोग एक सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे आप विदेश जाना चाहते हो, अमेरिका लंदन फ्रांस जर्मन, अगर आप विदेश जाना चाहते हो आप लोग बताओ तो कितने चीज हमारे पास में होनी चाहिए तब हम विदेश जा सकते हैं, कौन बोलेगा हाथ उठाओ? हमारे पास में ऐसे कौन सा चीज होनी चाहिए जो कि हम विदेश जा सकते हैं, बोलो कौन बोलेगा? पहला नंबर पासपोर्ट होनी चाहिए, दूसरे नंबर में उसको वीजा होनी चाहिए, और तीसरे नंबर में उसको टिकट होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज हो ना आप जरूर आप विदेश जा सकते हो। कहते उसी तरह इसी जगत में साधारण विदेश है, 2 घंटा बाद 3 घंटा के फ्लाइट ये, उसी के लिए आपको ये सब 3 चीज भी चाहिए। अगर कोई भगवान को पास में जाना चाहते हो उसको पास में 3 चीज होनी चाहिए। बोले भैया पासपोर्ट क्या चीज है? बोले पासपोर्ट है ये गले में जो हम तुलसी की कंठी धारण करते हैं,
ये तुलसी की जो कंठी है ये पासपोर्ट है। ये जो तुलसी हम कंठी धारण करते हैं, आप इसको लकड़ी मत मानो, ये साधारण वृक्ष नहीं है। जब हमारे बड़े गुरु जी अमेरिका में गए थे प्रचार करने के लिए, तो वहां पर विदेशियों को बोले भैया गले में कंठी तुलसी माला पहनो। बोले भैया ये लकड़ी क्यों गले में धारण करेंगे, हमारे पास में सोने चांदी हीरे जवाहरात, ये लकड़ी क्यों पहनेंगे। तब उन्होंने हमारी जितनी वैदिक ग्रंथ था, वेद पुराण उपनिषद, ऐसे उन्होंने श्लोकों को उठा उठा करके बोले देखो ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, वृक्ष नहीं है, हमारे भारत में इसकी पूजा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। अमेरिका में रिसर्च किया साइंटिस्टों ने, भैया ये हिंदू लोग ये जो पेड़ पूजा क्यों करते हैं, तुलसी का पेड़ है ना, ये पूजा क्यों करते हैं। जब उन्होंने वृक्षों को रिसर्च किया, देखा पृथ्वी में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं मेडिसिन है ये तुलसी वृक्ष में। आप पातंजलि में जाकर के देखना, पूछना वहां पर तुलसी की जूस बिकता है। आप किसी मेडिसिन शॉप में जाना, आप बोलना आपके पास में तुलसी पावर है, देखना इतने बड़े बोतल मिलेगा और इतना बड़ा पेपर मिलेगा, उसको पढ़ करके आना कल। वहां पर लिखा हुआ 200 बीमारी की प्रतिषेध का जो मेडिसिन की तुलसी वृक्ष में। ऐसे कोई बीमारी नहीं, दो दो तुलसी पत्ता कोई खाएगा ना, कभी जिंदगी में हार्ट अटैक उसको कैंसर कभी नहीं होगी, कभी उसको हार्ट अटैक से कैंसर नहीं होगी। आप देखना बुखार होने पर सर्दी होने पर कहते ना तुलसी पत्ता को जूस में शहद मिला करके उसको चाटो, उसको उबाल करके पानी पियो, पृथ्वी का सबसे ज्यादा मेडिसिन। जब हम गले में ये तुलसी कंठी धारण करते हैं, जब स्नान करेंगे इसका पानी सारा शरीर में जाती है। इसलिए पुराण में बताए जब ये पानी सारा शरीर में जाए बड़ी बड़ी बीमारी तो अपने आप सही हो जाते हैं। और पृथ्वी का जितने सारे पवित्र नदियों में हमारी स्नान हो जाती है। गले में तुलसी कंठी धारण करने का बड़े महत्व है। और तुलसी आप लोग तो हिंदू हैं, अब देखे होंगे सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती है, क्यों, ये तुलसी माँ लक्ष्मी है, ये माँ लक्ष्मी तुलसी। और भगवान जब ये दुनिया से गए अपने स्वरूप कहाँ पर रख कर गए, तुलसी में रख कर गए। हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले बांके बिहारी, बोले वृंदावन, वृंदा मतलब होता है तुलसी और वन मतलब होता है तुलसी का वन, जहाँ तुलसी का वन वही बर श्री ठाकुर जी का निवास है। अगर आपकी गले में तुलसी कंठी मतलब क्या हो गया, अब बताओ गले में तुलसी कंठी इसका मतलब क्या हो गया, माँ लक्ष्मी और नारायण दोनों की निवास आपकी गले में हो गई। इसलिए ये तुलसी कंठी पहनना बड़ा इसको पुण्य मानी जाती है। आप देखना ठाकुर जी को जब आप भोग लगाओ, जो कुछ ठाकुर जी को भोग लगाओ, जब तक तुलसी पता नहीं दोगे ना ठाकुर जी कोई चीज को भी ग्रहण नहीं करते हैं। कहते उसी तरह जब तक हम गले में तुलसी कंठी धारण नहीं करें तब तक हमारी ठाकुर जी की सेवा में हम लग नहीं सकते हैं। इसलिए जब महाराज बोले देखो कैसे पता चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, देखो बढ़िया उदाहरण दिए, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता कैसे पता चलता है, ये पालतू गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है ये घर की कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ते बिने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए गले में अगर हमारी तुलसी कंठी है ना, फिर हम कौन है, हम कौन बन गए, ठाकुर जी की पालतू है। इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए, ठाकुर जी की पालतू बननी चाहिए। बोले जरूर गले में तुलसी की कंठी हो। दूसरी चीज है ललाट में तिलक जरूर होनी चाहिए, ठाकुर जी की तिलक जरूर हो। देखो ये तिलक क्या महिमा है, आप लोग तो हिंदू है, अगर कोई बिजनेस में कोई बच्चा जा रहा है, नहीं तो कोई बिजनेस करने जाते हैं, हम केवल कर तिलक लगाकर भेजते हैं, बेटा तिलक लगाकर भेज, मतलब जाओ तुम्हारी काम बन जाए। घर में जैसे ब्राह्मण आएगा पूजा कराने के लिए, अब देखना जब तक वो व्यक्ति तिलक नहीं लगाएगा ना तब तक वो पूजा ही नहीं करवाएगा, तिलक के बगैर पूजा भी निष्फल है। इसलिए ये तिलक की इतने महत्व है। देखो अब भगवान कृष्ण को देखो खड़े हैं, तिलक है कि नहीं, अब भगवान राम को कहीं देखो तिलक है कि नहीं, भगवान राम नारायण को देखो उनका आधा मुंह तो तिलक में भरा हुआ होता है, हनुमान जी को देखो तिलक, देखो गणेश जी को देखो तिलक। आप कोई भी
तैतीस करोड़ देवता में कोई भी देवता को देखोगे बगैर तिलक के ठाकुर भी नहीं रहते, इसलिए तिलक की बड़ी महत्व। हाँ देखो, हम लोग जो तिलक लगाते ना, ये गोपी चंदन है, देखो ये जो सीधा ये है, ये ठाकुर का दो चरण है, इसका नीचे के भाग का देखो, जैसे ठाकुर का चरण में तुलसी दल देते है ना, ये तुलसी दल जैसे, मानो ठाकुर जी के चरण में हमने तुलसी दल दिया है, तिलक की इतने महत्व है, हैं? और देखो हमारे बीच में बलराम पर एक माइक दे दो, माइक दे दो, हमारे बीच में एक प्रभु जी बैठे हुए, एक सीए है, ये बड़ौदा से आए हैं, अब ध्यान देकर देखो, ये छोटे मोटे सीए नहीं है, शायद इनकी अधीन में 15-20 लड़के काम करते हैं, ये बड़ौदा में रहते हैं, सीए है, ये बहुत अच्छे पोस्ट में काम करते हैं सीए, ये तिलक की महिमा, अब इनसे एक तिलक की महिमा सुनो, ये हमारे बड़ौदा में महाप्रभु की भक्ति की प्रचार करते हैं, अब इनका नाम मैंने तो बलराम दिया है, हैं? अब थोड़ी सी सुन लो, ये तिलक की क्या महिमा कहते हैं, सीए है, अच्छे सीए है, गणमान्य वहाँ सबसे बड़ा बड़े सीए यही हुए बड़ौदा के, अभी देखो ये तिलक की क्या महिमा बता दे, बोलो तो खड़े रहो, ओम ज्ञानतिमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी नमः। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य पाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उपस्थित सभी वैष्णवगण भक्तगण माता पिता भाई बहन सभी के श्री चरण कमलों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। अभी अभी श्री गुरुदेव आपको तिलक की महिमा और कंठी की महिमा के विषय में बता रहे हैं। अब से करीब 10 साल पहले श्री परम गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य श्री नवीन कृष्ण दास जी बड़ौद में आए। उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार बड़े जोर शोर से किया। उसमें सबसे पहले उन्होंने हमारे श्री प्रेम कृष्ण दास जी को अपने साथ लिया और पूरी बड़ौद में प्रचार किया। जब पहली कथा बड़ौद में हुई तो प्रेम कृष्ण दास जी ने मुझसे बोला कि तुम भी कथा में आया करो, बहुत अच्छी कथा हो रही है। तो उस समय क्या हुआ कि जिस तरह आप भी सोचते होंगे कि सभी साधु एक तरह के होते हैं, सबका अपना एक धंधा है, बिजनेस है, इसी तरह मैं भी सोचता था और मैं गया नहीं। प्रभु जी ने मुझे फिर टोका, मैं फिर भी नहीं गया। 3 बार इन्होंने मुझे खूब टोका कि तुम कथा में क्यों नहीं आते, क्या कुछ लगता है, केवल थोड़ा समय ही तो देना है। मैं फिर भी नहीं गया। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि हो सकता है कि ये मुझसे कुछ धनराशि चाहते हो। तो मैंने उस समय वहाँ पर एक चावल का कट्टा भिजवा दिया, लेकिन मैं कथा में नहीं गया क्योंकि मन में एक बात थी ना कि सभी साधु एक जैसे होते हैं। लेकिन कथा पूरी होने के उपरांत संयोग से प्रभु जी मेरे पास आए कि देखो आप कथा में तो आए नहीं और अब हम एक गाड़ी वृंदावन धाम ले जा रहे हैं, तुम वहाँ चलोगे? तो मैंने बिना सोचे समझे कहा कि हम चारों सदस्य अपने घर के चले गए। तो हम चारों के चारों वहाँ चले गए और वहाँ जाकर जैसे ही मैंने वृंदावन धाम में जाकर श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में कदम रख कर गुरु जी के दर्शन किए तो मैं ऐसा समर्पित हो गया, ऐसा समर्पित हो गया कि मैं आज तक उनके चरण की धूलि को छोड़ नहीं पाया। ये मेरे गुरुदेव की प्रभाव है और मैं ये अपने आप पे गर्व करता हूँ कि
वास्तव में मैंने कोई पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण मुझे इस जन्म में भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी जैसे गुरुदेव मुझे मिले हैं। और जब इस तरीके से मेरा पदार्पण हो चुका तो नवीन जी ने मुझे शिक्षा देनी शुरू की। उन्होंने कहा कि देखो तुम तिलक लगाया करो। अब देखो आप भी देखते होंगे कि तिलक है तो जरूर कुछ अटपटा सा। अगर वो बोलते कि साधारण तिलक लगा लो जैसे मंदिर में लगाते हैं तो मैं लगा भी लेता। अब ये क्या है कि इतना लंबा तिलक लगाओ और नाक पे भी तिलक लगाओ, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब अच्छा नहीं लगा तो मैंने कह दिया हाँ पर मुझे लगा लूंगा। तो अब मैं अगले दिन फिर चला गया बिना लगाए। अब संयोग से मैं जिस जहाँ हमारा ऑफिस है ठीक रास्ते में उनकी एजेंसी पड़ती है। अब वहाँ मैं जाते हुए डरने लगा, अगर बाहर निकल गए तो फिर पूछेंगे भाई तिलक क्यों नहीं लगाया। तो अब वो क्या हुआ, एक दिन घर में आ गए, घर में आके बोले तुम तिलक नहीं लगाते। अच्छा तुम्हें शर्म आती होगी, तुम एक काम करो थोड़ा हल्का तिलक लगा लो। तो मैंने थोड़ा हल्का तिलक लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तिलक लगाते लगाते अभ्यास हो गया। अभ्यास होने से फिर मैं उस तिलक को पूरा गाढ़ा लगा और मेरे तिलक में एक रुचि बन गई। अब तिलक लगा के सुबह ही मैं जाके अपने ऑफिस में बैठता था और ऑफिस में बैठ के पूरा काम करता था। तो जैसे मैंने तिलक लगा के ऑफिस में बैठा, संयोग से एक दिन सेल्टक्स ऑफिस से फोन आता है कमिश्नर साहब के ऑफिस में से, और वहीं पे ही हमारे एक एडवोकेट बैठे थे। उन्होंने बोला कि देखो तुमने जो फाइल मेंटेन की है उस फाइल में कोई चीज मुझे समझ नहीं आ रही जिसे मैं कमिश्नर साहब को समझा नहीं पा रहा। तुम ऐसा करो अभी की अभी कमिश्नर साहब के ऑफिस में आ जाओ और जो तुमने ये बुक मेंटेन की है इस बुक के बारे में जो एंट्री मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उस एंट्री को तुम कमिश्नर साहब को समझा दो। तो मैं सुबह 10 बजे का समय था, 10:30 बजे हो गए और आप देख सकते हो कि उस समय मैं तिलक लगा के केवल गया ही था ऑफिस में, तो इसलिए तिलक भी पूरी तरह से अपनी शोभा दे रहा था मस्तक को। तो मैं जैसे ही सेल्टैक्स ऑफिस में गया तो सीधे के सीधे मैं कमिश्नर साहब के ऑफिस में गया। और कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाके जैसे ही मैंने गेट पे खोला कि मैं कमिश्नर, तो कहने लगे तुम कौन, कमिश्नर साहब बोले। तो इसी बीच में वकील साहब बोल पड़े कि ये बुक इन्होंने ही मेंटेन की है। तो उन्होंने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जब ऊपर तक देखा तो उनकी नज़र सबसे पहले कहाँ गई, मेरे तिलक पे, क्योंकि तिलक ही एक ऐसा चिन्ह था मेरे मस्तक पे जो हम सब में भिन्न था। कमिश्नर साहब भी तिलक नहीं लगाते, वकील साहब तिलक नहीं लगाते और मुझ में क्या भिन्नता थी, तिलक भिन्न था। तो जैसे ही उन्होंने तिलक पे नज़र देखी कह लगे अच्छा इन्होंने बुक मेंटेन किया है ये, तो वकील साहब बोले जी हाँ। कहने लगे तो वकील साहब काहे को परेशान कर रहे हो इन्हें भी और हमें भी, अरे जो भगवान की भक्ति करता होगा वो बुक में कभी कोई गलती नहीं कर सकता और मैं आपको ये अभी के अभी साइन कर देता हूँ। और बिना कुछ मैंने कहा सुने मैं वापस आ गया और मेरा वो केस वहीं के वहीं फाइनल हो गया। तो तिलक की इतनी महिमा है। और देखो मैं आप सब से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये तिलक कोई साधारण तिलक नहीं है। यदि हम इस तिलक को लगा के घर से बाहर निकलते हैं तो मैं आपको हृदय से विश्वास दिला सकता हूँ कि जो लोग आपको नमस्ते तक नहीं करते वो तिलक को देख के आपको कम से कम राधे राधे या हरे कृष्णा जरूर बोले। ये इस तिलक की महिमा है। तो जब गुरुदेव ये बोलते हैं कि जो आदमी को देख के कोई आदमी हरे कृष्णा बोल देता है वो वैष्णव की श्रेणी में आ जाता है, तो एक तिलक लगाने से यदि आप वैष्णव बन सकते हैं तो फिर इस तिलक को लगाने में शर्म कैसे। तो मैं तो आप सबसे कहता हूँ कल को आप जितने भी सब लोग यहाँ बैठे हैं सब तिलक लगाते हैं हरे कृष्णा। आप लोग तो अपना घर में रहते हो लेकिन इनके वो अपना ऑफिस में बैठते हैं और जहाँ पर 15-20 लोग जहाँ पर इनके अधीन में सीए बड़े सीए हैं इनके अधीन में सबके सब काम करते हैं। एकदम बढ़िया तिलक अभी भी देखो बढ़िया तिलक लगा करके आए, इनकी पत्नी इनके बच्चे इनके परिवार हैं सबके सब तिलक कंठी माला धारण करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। और जिस परिवार में देखो बच्चे परिवार सबके सब गले में तिलक कंठी भक्ति करना वो घर नहीं वो भगवान का धाम है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं
जहां पर मेरे कीर्तन भक्ति पूजा पाठ होता है वही तो वृंदावन का धाम है, वही से वृंदावन है। इसलिए कोशिश करो पूरा परिवारों को भगवान की भक्ति में लगाओ, पूरा परिवार भक्ति करे और सबके सब आनंद और शांति में, सबके सब जीवन में शांति सुख करें। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी भैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक भजन सुनो, मन बसी गयो नंदी किशोर, मन बसी गयो नंदी किशोर, अभी जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, आए बसा लो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, मन बस गयो नंदी किशोर, जाना नहीं कहीं और। पीछे वालों तुम भी कुछ करके खालो भैया, दोनों हाथ उठा के ताली से आके तुम बोलेंगे बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में।
लाल की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम कहते श्री मनु महाराज के जो दो बेटे थे उनको जो दो बेटे थे एक बेटा का नाम उत्थानपाद और एक नाम प्रियव्रत है कहते ये उत्थानपाद के दो पत्नी हैं एक है सुनीति और एक है सुरुचि इसका तात्पर्य यह है उत्थानपाद उत्थानपाद मतलब क्या है कहते जब गर्भ में कोई जीव आता है उसको प्यार ऊंचा रहता है और सर नीचा रहता है कहते मानो हम सबका दो दो पत्नी है पहला पत्नी का नाम सुनीति दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि बोले सुनीति और सुरुचि का मतलब क्या है बोले सुनीति मतलब है जिसकी नीति अच्छी नीति है जिनकी नीति बढ़िया नीति है कहते भैया नीति तो बहुत सारी नीति है एक चाणक्य नीति भी है एक कूट नीति भी है लेकिन ये सबसे बढ़िया नीति क्या बोले विदुर नीति ये विदुर कहते ये छोटे जाति में जन्म ग्रहण करने पर भी विदुर जी दासी पुत्र होने पर भी कभी धर्म का मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा इसलिए धर्म मार्ग छोड़ना नहीं पड़ा इसलिए लास्ट में इनको नौकरी छोड़ना पड़ा इनको दुर्योधन ने निकाल दिया लेकिन अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा इसलिए एक दिन ठाकुर जी स्वयं कृष्ण विदुर जी के घर में आए इसलिए कहते हैं ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए इसलिए कहते जीवन में अगर सुनीति कोई अगर जीवन में अपना आए भैया बेटा क्या होगा बोले ध्रुव बेटा क्या होगा ध्रुव मतलब क्या है सत्य नित्य और शाश्वत है कहते नीति अगर जीवन में प्रभु की भक्ति नीति अपनाओगे ना जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी नाम उजला रहेगा बताओ ये ध्रुव कब आए ये प्रह्लाद कब आए हनुमान जी कब आए कितने लाख साल पहले आए देखो घर घर में भी अब इनकी पूजा हो रही है दुनिया इनकी सेवा पूजा कर रही है इसलिए जगत में अगर कोई बड़ा बनना चाहते हैं ना क्या बड़ा बन करके दिखाओ बोले भगवान की भक्त बन करके बड़े बन जाओ ये दुनिया की नेता बन करके नहीं इस जगत का जो अभी जैसे मोदी अभी मोदी मोदी अगर नेक्स्ट में नहीं आए तो पहले मनमोहन सिंह था कौन पूछता है बताओ कोई नहीं पूछ रहे इसलिए जगत का बड़े से बड़े पद भी दो दिन बाद में खत्म हो जाती है लेकिन अगर भगवान की भक्त बन करके एक बार बड़े बन जाओ ना जब तक दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी जगत में नाम तुम्हारी अमर हो जाएगी इसलिए सुनीति का बेटा ध्रुव है बोले सुरुचि बोले भैया सुरुचि मतलब क्या बोले स्वस्य रुचि इति सुरुचि स्वस्य रुचि मतलब हमें शास्त्र भाषा से कोई मतलब नहीं मन मर्जी जैसे रहना मन मर्जी जैसे खाना इसको कहते हैं सुरुचि लेकिन इसका फल क्या मतलब बेटा तो उत्तम हुआ है लेकिन आगे हम सुनेंगे ये गंधर्व ने उसको मार डाला और उसकी जो माता जी थी बच्चे को ढूंढने के लिए गई तो चारों तरफ में आग लग गई और आग को अंदर नहीं वो सुहा हो गई कहते अगर स्वस्य रुचि अगर अपना मनमानी ढंग में चलोगे ना एक दिन ध्वंस हो जाओगे जगत में तुम्हें कोई पूछेगा नहीं अगर जीवन में उतारना तो क्या करो जीवन में सुनीति को जीवन में अपनाओ जगत में सबसे बड़े बन करके रहोगे अभी राजा का पहला पत्नी थी अभी दूसरी पत्नी आ गई सुरुचि आते ही उसने आईन पास करना शुरू कर दी बोले देखो महाराज तभी मैं घर में रहूंगी अगर सुनीति को नहीं निकालोगे तो मैं नहीं रहूंगी पहले सुनीति को ध्रुव को निकालो इसका मतलब क्या है अगर घर में कोई भक्ति पूजा पाठ करे ना कभी कभी ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं क्या है ये भक्ति पूजा पाठ क्या तिलक कंठी माला खबरदार हमारे घर में सुरुचि नहीं चलेगी चलेगी तो दारू चलेगी मांस चलेगी जुआ चलेगी ये सब भक्ति भक्ति क्या चीज है इसे भक्ति भक्ति क्या चीज है निकालो इसको पहले घर से नहीं तो मैं रहूंगी नहीं पहले पत्नी सुनीति थी पहले पत्नी क्या लगती है पहले जब शादी हो ना पहले लगती है चंद्रमा सोचते हैं आकाश में के चंद्रमा और मेरे पास में के चंद्रमा लेकिन वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में सूरजमुखी बन जाती है फिर वही सूरजमुखी बाद में ज्वालामुखी बनती है फिर तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है पहले पहले थी तो चंद्रमुखी अभी पुरानी हो गई अभी नई नई बहू घर में आई है राजा तो अभी
सुनीत की बात छोड़कर सूरज की बात में उठते बैठते हैं, अब इनकी बात छोड़कर सुनकर उन्हें निकाल दिया है। उन्होंने सुनीत को ध्रुव जी को घर से निकाल दिए। देखो निकाल दिया तो क्या होता है, एक दिन एक छोटा बेटा बैठा हुआ था पिताजी की गोद में, अभी बड़ा बेटा बैठने के लिए जब आया, इतने में जब आया बड़ा बेटा, इसलिए जब उन्होंने बड़ा बेटा आया ना, इतने में उन्होंने बड़ा बेटा आते ही बोले खबरदार पिताजी गोद में बैठ नहीं सकते हो, तभी बैठ सकते हो, पहले तुम तपस्या करो, तपस्या करके मेरे गर्भ से अगर जन्म लोगे फिर पिताजी की गोद में बैठ सकते हो। वो तो क्षत्रिय का बच्चा था, वो कहाँ सहन कर सकता है, रो रो करके अपना माँ को पास भी गया। जब गया माँ कौन है, सुनीति, सुनीति माँ है। वो ये बोल सकती थी तू बड़ा बेटा विद्रोह कर, राज सिंहासन में तेरे अधिकार, लेकिन वो सुनीति थी, उन्होंने ये नहीं बोली, बोले देख बेटा माँ तो गाली दी लेकिन एक अच्छी बात भी बताई, बोले भगवान की भजन कर ये अच्छी बात है। बेटा जब तक भाग्य में नहीं होना ये सिंहासन को कोई प्राप्त नहीं कर सकते, ये बताओ राज्य कब तक, पिता कब तक रहेगा, ऐसे एक पिताजी की गोद में बैठो कभी पुत्र को नहीं, इससे करोड़ों गुण स्नेह देने वाले भगवान ही ऐसे पद को प्राप्त कर जो पद को किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, तुम भगवान हरि की भजन करो। बोले मैया हरि कहाँ रहते हैं, बोले बेटा उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ेगा, बोले मैया चिंता मत करो मैं क्षत्रिय का बच्चा हूँ तू मेरे को आशीर्वाद दे। तो उन्होंने माँ की परिक्रमा की, माँ के चरण स्पर्श करके भजन करने के लिए गए। देखो यहाँ सिख्या देते ही, अगर पिता माता गुरुजन को आदर करोगे ना, गुरुजन को प्रणाम करते हुए जाओगे कोई भी काम में जाओ, अपना पिताजी की चरण छू करके माता जी की चरण छू करके ठाकुर जी की प्रणाम करके जाओ, ये भाग्य में जो विधाता जो ललाट में भाग्य लिखा है ना, अगर कोई गड़बड़ी हो तो वो भी मिट जाए हैं। इसलिए पिता माता की चरण छू करके गुरुजन की चरण छू करके कोई काम करनी चाहिए। उन्होंने गए और जब गए इतने व्याकुल हो गए भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान भी चंचल हो गए। इतने में लक्ष्मी पूछा प्रभु आप इतने चंचल क्यों हो रहे हो, बोले देखो लक्ष्मी एक छोटा सा बालक मेरे को पाने के लिए कितना उतावला हो रहा है, बोले प्रभु दर्शन दो ना। बोले देखो लक्ष्मी अभी तक उसने गुरु ग्रहण नहीं किया है, इसलिए कहते ना बिनु गुरु भवन थी तरई न कोई, जो बिरिचि शंकर सम होई, ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, अगर जीवन में सदगुरु नहीं हो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बोले उसने तो अभी तक गुरु ग्रहण नहीं किया है इसलिए मैं दर्शन नहीं देता मगर गुरु जी के, बोले आप तो इच्छा करने पर हो जाता, बोले हाँ ये तो हो जाता है। उन्हें नारद जी को स्मरण किया, नारद जी को बोले जा करके परीक्षा कर ठोक पीछे करके फिर उसको मंत्र प्रदान करो, फिर उन्होंने उनको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र दिए, बोले जाओ मथुरा में, क्यों मथुरा भगवान का धाम है, यमुना में कृष्ण ध्यान स्नान करना, यमुना कौन है ब्रह्म द्रव्य पात्रम, राधा कृष्ण के प्रेम जब द्रवीभूत होकर के वो बहती है ये स्वयं यमुना पटरानी है, बोले वहीं पर त्रिसंध्या ध्यान स्नान करते हुए वहीं पर भगवान की भक्ति करना। जब उन्होंने पहला महीना में तो तीन दिन अंतर अंतर में केवल बेर फल खाकर भजन किए, दूसरे महीना में छह दिन अंतर अंतर में सूखे पत्ते खा करके, तीसरा महीना में नौ दिन बाद में पानी पी करके, चौथा महीना में बारह दिन अंतर अंतर में केवल हवा खा करके, और उन्होंने पंचम महीना में ऐसे उन्होंने भजन की। छठवां महीना जब हुई जैसे एक हाथी किसी नाव में प्यार रख दे, जैसे नाव डगमगाती है, इनकी भजन का प्रताप को ये पृथ्वी भी सहन नहीं कर पाई, और भगवान के आसन भी ठाकुर जी का आसन भी हिल गया, ऐसे उन्होंने कठोर तपस्या की, ठाकुर जी के आसन तक उन्होंने हिला दिए। देखो कभी कभी हम लोग गुरु जी से मंत्र लेते हैं, मंत्र लेकर कहते गुरुदेव अभी तो कुछ हुआ ही, अभी तो भगवान मिले ही नहीं, भैया अगर सही सही भक्ति करोगे तब तो भगवान मिलेंगे ना, हैं? अगर भक्ति अगर डामाडोल करोगे, इसलिए महाप्रभु बोले भगवान की भक्ति निरंतर जमी होनी चाहिए, निरंतर जमी मतलब जैसे शहद को डाल दो उसमें एक धागा बन जाती है, भक्ति ऐसे होनी चाहिए, भक्ति हैं? भक्ति ऐसे होनी चाहिए। इसलिए देखो एक समय एक गुरु जी ने उनने दो चेले को
उन्होंने दो गुठली दिए है। बोले देख बेटा ये गुठली ले लो, अगर ये गुठली को अगर तुम बो दोगे ना बड़े सुंदर यहाँ वृक्ष होगा, अब वृक्ष से बड़ी सुंदर पहले तो अंकुर आएगी, फिर उसमें दो पत्ते आएंगे, उसको बाद में टहनी आएगी, फिर उसमें सुंदर फल फूल, फिर उसमें सुंदर फल उसमें आएगा, फिर तो सुंदर सुंदर पके हुए फल को फिर तुम खा भी सकते हो और उसको तुम इसको बिजनेस में भी इसको तुम लगा सकते हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ सब बैठ जाओ, कोई खड़े मत हो सामने, कथा में कोई खड़े नहीं हो, सबके सब बैठ जाओ चुपचाप। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, अच्छी कथा सुनो, मन लगा कर। हाँ अब लोग कथा सुनो इधर, भैया लोग कथा सुनो इधर उधर मन दिया करो, इधर कथा सुनो। हरे कृष्ण। हाँ देखो उन्होंने दो चेले को दो गुठली दिया है, गुरु जी ने क्या बताया बेटा अगर एक गुठली को बोल दोगे ना घर को सामने बड़ी सुंदर छाया दे, बड़े सुंदर फल आएगा, इसको खा भी सकते हो, इसको तुम बिजनेस में लगा सकते हो। दो चेले को दो गुठली दिया, एक चेला ने घर को सामने गुठली गाड़ दी, गाड़ करके उसमें पानी और मिट्टी दे करके घड़ी लेकर बैठेंगे। बोले गुरु जी ने बताया आप पहला अंकुर आएगा, फिर उसमें दो पत्ते आएंगे, फिर उसमें टहनी आएगी, फिर उसमें फल फूल आएंगे। उसने एक घंटा तक बैठा घड़ी लेकर के, लेकिन घड़ी लेकर के बैठा फिर मिट्टी खोदना शुरू कर दिया, लेकिन देखा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने मिट्टी ढक दिया, फिर पानी दे दिया, फिर घड़ी लेकर के दो घंटा देखा, उसको बाद में फिर खोदा, देखा कुछ भी नहीं। बोले भैया गुरु जी तो झूठ बोलते हैं, हाँ अंकुर आएगा तो पत्ते टहनियां तो कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने रात भर उसमें पानी दे करके बैठे, सगर फिर खोदे, देखा कुछ भी नहीं आया। उसने किया किया गुठली जो था ना उठाया और गुरु जी को पास में ले गया और गुठलियों को फिर गुठली दे मार गुरु जी को। बोले गुरु जी रात भर मैंने नींद खराब कर दी, बोले इसमें अंकुर दो पत्ते टहनियां कुछ नहीं आए, रात भर बेकार मेरा नींद खराब हो गई। अभी दूसरे चेले को भी गुठली दिए, अभी दूसरे चेले गुरुदेव ने जो बोले सही बोले हैं, ये वाक्यों को दृढ़ करते हुए घर के सामने गुठली को बो दिए और उसमें पानी दिया। सचमुच से जब सात आठ दिन हो गया ना, देखा सचमुच से बड़े सुंदर उसमें अंकुर आया। कुछ दिन बाद में देखे उसमें दो सुंदर पत्ते आए, फिर उसको गुरु जी के ऊपर बड़ा विश्वास हुआ, गुरु जी जो बोले थे सही बोले थे। फिर कुछ दिन बाद उसमें टहनी आई, उसको तो और भी विश्वास बढ़ गया। एक साल में वो एक सुंदर वृक्ष रूप धारण किया और जितने वृक्ष बनते जा रहा था उतना गुरु जी का प्रति विश्वास आ रहा था। सचमुच से जब दो साल हो गया ना, बड़ी सुंदर वृक्ष तीन साल में पूरा घर को ऊपर में छाया कर लिया और उसमें बड़े सुंदर फूल और बड़े सुंदर उसमें फल आया और गुरु जी के ऊपर भी इतने विश्वास हो रहा था, इतना विश्वास हो रहा था गुरु जी जो बोले सही बोले हैं। और उसमें जब पहला आम आया, जब पक गया, उसको लेकर के श्री गुरु जी को दिया। बोले गुरु जी आप जैसे बोले थे, गुरु जी एकदम पैसे हुआ, बड़े सुंदर फल और पेड़ में पूरा फड़ी फल है, लगता है इतना फल आया वृक्ष में साल भर का मेरा खर्चा पानी चल जाएगी। देखो एक चेले तो गुठली को लेकर के बो दिया और एक रात में गुठली को लाकर गुरु जी ऊपर मारे, लेकिन दूसरे चेले ने क्या किया, विश्वास पूर्वक लगाया तो बड़े सुंदर फल और फूल सुंदर आया और जिसमें अपना जीव का भी निर्भर किया। यहाँ सिख्या देते हैं, अभी भैया ध्रुव महाराज तो 6 महीना में ठाकुर को प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी तक हमें भगवान फिर क्यों नहीं मिल रहे हैं? बोले कारण है जैसे भक्ति करनी चाहिए हम वैसे भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर एक मन से एकनिष्ठ होकर के गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, जब उसी मंत्र से ध्रुव जी को मिला, जब उसी मंत्र से प्रहलाद को मिला,
जो उसी मरा मरा कहते कहते दसु रखना कर अगर वो वाल्मीकि बन सकते हैं, हैं? ये वाल्मीकि बन सकते हैं अगर भगवान के नाम लेकर हमारे कल्याण नहीं होगा बताओ हमारे कल्याण होगा कि नहीं। इसलिए गुरु जी ने जो मंत्र दिया है हमें वो मंत्रों को एकनिष्ठ से भक्ति करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैंने जो भगवान का नाम तुमको दिया है इसी नाम से ही तुम्हें सर्वसिद्धि मिलेगी, इसी नाम से ही एक दिन भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन नाम कैसे जप करनी चाहिए महाप्रभु कहते हैं यह जप किया सबे करिया निर्बंध। निर्बंध मतलब होता है नियमित पूर्वक नाम करो, नाम को नियमित पूर्वक नाम अगर करेंगे। गुरुदेव ने माला दे दिया मेरे तरफ में देखो गुरु जी ने हमें माला दिए है अगर ये माला को लेकर अगर कहीं लटका दोगे ऊपर में क्या भगवान फिर मिलेंगे। इसलिए बड़े गुरु जी कहते थे जो बड़े गुरु जी कहते थे गुरुदेव जब हमें माला दिया माला नहीं गुरुदेव हमें भगवान स्वयं ठाकुर जी दिए। इसलिए खुद एक दिन भूखे रह जाओ लेकिन ये माला को कभी भूखा मत रखा करो। गुरु जी कहते थे अगर एक दिन तुमने माला जप नहीं की मतलब है ये माला कृष्ण है समझो आज भगवान सारा दिन स्नान नहीं किए, ठाकुर जी सारा दिन भोजन नहीं किए, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदला है। इसलिए कभी माला भूखी नहीं रहनी चाहिए, खुद एक दिन भूखे रह जाओ लेकिन माला को कभी भूखा मत रखा करो क्योंकि जो माला है ये स्वयं भगवान कृष्ण ही ये नाम रूप में कलयुग में आए। इसलिए कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए ध्रुव जी जब 6 महीना हो गई उनने जब कठोर तपस्या की भगवान का आसन तक उन्होंने हिला दी सारे उन्होंने अपना प्राण बाय को खींच लिया तो सारा दुनिया की बाई बंद हो गई। सारे देवता घबराते हुए भगवान को पास में गए। भगवान ने बोले कोई चिंता मत करो मैं दर्शन दे रहा हूँ। भगवान स्वयं प्रकट होकर के उसके हृदय में दर्शन दिए और जब अंतर ध्यान हो गई फिर तो छटपट छटपट करने लग गया। आग खुला तो सामने श्री भगवान को दर्शन किए। ध्रुव जी इधर आ जाओ। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले श्री वामन भगवान की जय। भगवान जब दर्शन दिए भगवान बोले मेरे स्तुति कर बोले प्रभु मैं तो स्कूल गया ही नहीं। इतने में भगवान अपना दिव्य ज्ञान रूपी शंख को उसकी कपल में स्पर्श करा दी हृदय में दिव्य ज्ञान स्फूर्ति हुई। फिर तो भगवान के जटाजट ठाकुर जी की स्तुति करने लग गए। भगवान ने कहा ध्रुव जी बर्मा क्या चाहते हो। बोले प्रभु बोले स्थानाभिलाषी तपसी स्थित त्वाम प्राप्त बाल देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थ अस्मि परम न जाचि। ठाकुर जी अगर कोई कांच की टुकड़े ढूंढते ढूंढते पारस पत्थर मिल जाए फिर कांच का टुकड़ा कौन ग्रहण करेगा। आपका चरण तो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी शेष महेश गणेश दिनेश सूर्य सब जाही निरंतर ध्यान आपकी चरण तो दुर्लभ प्रभु आपका चरण मिल गया हमें किसी चीज की जरूरत नहीं केवल देना तो आपकी भक्तों की संगत को। बोले ध्रुव जब मेरी दर्शन हो गए फिर भक्त संग क्यों चाहते हो। बोले प्रभु आज जो मिले हैं ना ये भक्तों की नारद की कृपा से हमें मिले हैं। अगर भक्तों का संग में रहेंगे अगर आपकी कथा सुनते रहेंगे ये मन अपने आप आपके चरण में लगी रहेगी हैं। अगर आपका संग करेंगे आप थोड़ी अपना कथा सुनाओगे आपकी कथा नहीं सुनाएंगे तो मन कैसे आपके चरण में लगेगा। इसलिए आपकी भक्तों को संग में प्रदान करो। भगवान बोले ध्रुव कोई चिंता मत करो मेरी भक्त संग मिल जाएगा कुछ मांगो नहीं तो दुनिया मुझे क्या बोलेंगे ठाकुर जी कुछ दिए ही नहीं ठाकुर जी मुझे कुछ दिए ही नहीं। देखो ठाकुर जी क्या देते हैं। बोले ठीक है मैं तेरे को देता हूँ जैसे मेरा एक वैकुंठ लोक है तेरे लिए भी एक वैकुंठ लोक बनाऊंगा। जब तक ये दुनिया रहेगा ये ध्रुव तारा नाम रूप में जगत में प्रसिद्ध होगा सारा दुनिया तेरे को स्मरण करते रहेंगे और तुम 36,000 साल तक पृथ्वी को पर राजत्व करो इसको बाद में तुम मेरे पास में आ जाना। जब उन्होंने 36,000 साल तपस्या
राजत्व की। अभी 36,000 साल समाप्त होते काल स्वयं आ गया। इतने में वैकुंठ से विमान भी उतर करके आया। जब विमान में बैठने जा रहे तो स्वयं काल बोले, ध्रुव कहाँ जा रहे हैं? बोले वैकुंठ। बोले आप कौन? बोले मैं स्वयं काल हूँ। बोले यहाँ पर बैठ जाओ। ध्रुव ने अपना चरण को काल का सर पर पया रख दिया। देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं उसमें कितने शक्ति भक्ति में, उनने 100 शरीर में वैकुंठ विजय जब कर रहा था इतने में वहीं पर रुक गए। बोले रुक गया फिर क्यों? बोले मेरे माँ कहाँ गई? मेरे माँ कहाँ है? बोले भैया मैया को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले आज जो भगवान मिले ना माँ की कृपा से मेरे को, ये माँ ने मेरे को बोले थे बेटा ये पिता कब तक रहेंगे, इसके गोद में कब तक रहोगे, ठाकुर की गोद में बैठो। ये माँ ने मेरे को भक्ति के उपदेश दी, जब तक मैया को साथ में नहीं ले जाऊंगा तब तक मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। बोले देख जो मैया तुमको भक्ति के मार्ग दिखाई, उन्होंने दिखा दिया। देखो जो वैकुंठ लोग है ना आगे जो रथ जा रहा है इसमें तेरी मैया बैठ करके वैकुंठ जा रही है, उसको पीछे पीछे आप जा रहे हो। देखो माताएं, देखो यहाँ से एक शिक्षा लेकर जाओ। आज इतनी सी शिक्षा आप लेकर के जाओ जीवन में। प्रभु जी केले लेने वाले अब इधर खड़े, अभी सुन लो कथा। देखो इतनी शिक्षा लेकर के जाओ। ये हमारे गुरु जी कहते थे कि अगर आप बच्चे को भगवान की भक्ति के मार्ग सिखाओगे, अगर आपका बच्चा अगर भगवान की भक्ति करेगा फिर क्या होगा बताओ? जब अपना बेटे को मुक्ति मिलेगी बेटा पहले वैकुंठ नहीं जाएगा। कौन जाएगा पहले? पहले कौन जाएगा? माँ जाएगा। क्योंकि इसको गर्भ में किसने धारण किया है? माँ। प्रसव वेदना को कौन सहन किए? माँ। मुंह की खाना निकाल कर कौन खिलाई? माँ। गीली में सो करके सूखा में कौन सुलाई? किसने सुलाई? माँ। ये माँ की है। इसलिए अगर माँ बच्चे को तुम भक्ति के मार्ग दिखाओगे, देखो ये भगवान स्वयं कहते हैं वंश में अगर एक बेटा भगवान की भक्ति कर ले इसमें कितना लाभ, स्वयं ठाकुर जी कहते हैं। बोले कुलम पवित्र जननी कृतार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या। बोले एक पुत्र जब भगवान की भक्ति करता है उसको 21 पीढ़ी वैकुंठ लोग वास करते हैं। भगवान कहते हैं जननी मतलब माँ, जो माँ वो बच्चों को गर्भ में धारण थी उसका गर्भ धारण सार्थक हो जाती है। नृत्यति स्वर्गे पितरि पितरेषां, जो पहले पहले चले गए वो पितृलोक में हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते। बोले क्यों? बोले मेरे वंश में एक बेटा भजन कर रहा है, अभी कोई चिंता नहीं, अभी हमारे उद्धार हो जाएगी। बोले वसुंधरा वसतिश्च धन्या, जिसे पृथ्वी को ऊपर में वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। ये भगवान स्वयं कहते हैं अगर एक बेटा भगवान की भक्ति में लग जाए। देखो और एक चीज ध्यान देकर सुनो, अगर बेटा शराबी हो गया, बेटा मांस खा रहा है, बेटा सिगरेट फूंकता है, बेटा जुआ खेलता है, उसका पाप कौन लेगा? बोलो पुण्य तो फल माँ ने पिता माता ने लिया। अगर बच्चा गलत रास्ता में जाएगा तो उसको पाप कौन भोग करेगा? पिता माता। देखो ये पुराण की कथा है। एक समय एक योगी ने स्वर्ग में पहुंचा, देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरियां सेवा कर रही थी लेकिन वो बैठ बैठ कर रो रहा था, बेहोश हो रहा था। योगी ने पूछा भैया तू इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आए हो फिर यहाँ रो रहे क्यों? बोले मेरे से गलती हो गई, मैंने तो दान पुण्य किया स्वर्ग में आ गया लेकिन ये बच्चों को मैंने भक्ति की मार्ग नहीं दिखाई, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था वो बच्चा उसी पैसा शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, मांस खा रहा है। चूंकि पैसा मैंने कमा करके आया था वो पैसा मेरे पैसा को बर्बाद कर रहा है इसलिए मेरे को स्वर्ग में भी वो पाप मेरे को नहीं छोड़ रहा है। तो पुराने की बताए इसलिए क्या करो, बच्चों को भक्ति का मार्ग दिखाओ। और एक चीज समझो, बच्चा भक्ति कब करेगा? पहला गुरु तो पिता माता है ना, संस्कार तो पिता माता से ही पड़ेगा। अगर हम भक्ति करेंगे, माला जप करेंगे, कंठी तिलक लगाएंगे तभी तो हमारी बच्चा करेगा ना। अगर हम खुद नहीं करते हैं पर बच्चा कहाँ से सीखेगा बताओ? पहला गुरु तो पिता माता है, संस्कार तो पहले पिता माता से ही पड़ता है। इसलिए पहले क्या करनी चाहिए? पहले पिता माता को पहले भक्ति करनी चाहिए।
पिता माता स्वयं नास्तिक दिन भर टीवी देख रहे, स्मार्टफोन चला रहे, भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, दुनियादारी बात कर रहे, बच्चे को संस्कार पड़ेगी कहां से? इसलिए पहले संस्कार पिता माता से पड़ेगा। इसलिए हमने कितने पैसा छोड़कर गए ना, इसका महत्व नहीं है, हमने कितने बच्चे को संस्कार दिया ये महत्व है। अगर इसको बोलो ना भैया थोड़ा भगवान की माला जप कर, बोले नहीं बच्चे के लिए थोड़ा पैसा कमा करके जाओ ना। देखो मेरे गुरु जी कहते थे, बोले बच्चे के लिए ज्यादा पैसा कमा कर मत जाओ। बोले क्यों? बोले वो होनहार होगा तो कमा ही लेगा, अगर होनहार नहीं होगा ना जो कमा करके जा रहे हो उसको तो पता नहीं पिता माता कितने कष्ट के कमाएगा। सारे उल्टा पुल्टा काम करके जो IPL आया था ना, एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बोले बाबा मेरे बच्चा एक मिनट में जीवन का सारे पैसा लुटा दिए। बोले कैसे? बोले 6 रन लग गया, उसने दाव में लगा दिया सारे पैसा, 1 करोड़ रुपया दाव में लगा दिया, 1 मिनट में 6 रन में सारे पैसा खत्म। इसलिए भैया ऐसे धन कमाओ, भगवान के नाम रूपी धन कमाओ। इसलिए मीरा कहती हैं, पायो जिन्हें राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीमर सदगुरु, कृपा करे अपना पायो जिन्हें राम रतन धन पायो, चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे, दीन दिन बढ़त सबायो, पायो जिन्हें राम रतन धन पायो। ये धन ऐसे धन है, इसलिए आपसे प्रार्थना है प्रभु का नाम रूपी धन को कमाओ, हनुमान जैसे बनो। सुमरी पवन सुत पावन नामो, आपन बस कर राखे रामो, केवल प्रभु का नाम जप करते करते हनुमान भगवान राम को बसमत कर दिया। इसलिए ये नाम धन को जीवन में कमाओ, इसी जीवन में धनी, इसको बाद में तो माला ही माल है, उसको बाद में माला ही माल है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक मिनट प्रभु का नाम कर लो, अभी दो भगवान आने वाले हैं, एक बामन भगवान आएंगे और हमारे श्री कृष्ण कन्हैया आएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छी की बजने राधे रानी वो हमारी श्यामा प्यारी को, श्री सो श्री सो श्री
देवता मर तो मर जाए और दैत्य मर तो इनका गुरुजी शुक्राचार्य इनको संजीवनी मंत्र से फिर जिंदा कर दे। एक समय देवता लोग ठाकुर के पास में गए, बोले प्रभु हम अमर कैसे बनेंगे? बोले समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, उसको पी करके अमर बन सकते हो। सबसे पहला हला हलक बीस निकला। श्री भोले बाबा को उनने स्मरण की तो टन के टन उन्होंने जहर को पी करके गले की कंठ में धारण कर लिए। इसलिए शंकर जी का एक नाम पल गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय। फिर समुद्र मंथन हुई, माँ लक्ष्मी स्वयं निकली। बताओ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए। सब लक्ष्मी के लिए झगड़ा की, लक्ष्मी बोली ऐसे नहीं, सबके सब लाइन में खड़े हो जाओ, मैं अपना मनमर्जी पति चुनूंगी। लेकिन सबके अंदर में कुछ ना कुछ उन्होंने खोट देखी। लेकिन जब ठाकुर जी को पास में, नारायण को पास में पहुंची, देखा सर्वगुण संपन्न तो केवल माँ स्वयं श्री भगवान नारायण है। फिर उनकी गले में उन्होंने बलमना डाल दी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मंथन हुई, धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर निकला। फिर तो दैत्य देवता में लड़ाई शुरू हो गई। बोले अहम पूर्वम अहम पूर्वम, अभी दैत्य लोग छीन लिया। ठाकुर जी ने देखा अगर दैत्य अमृत पिएंगे तो अमर बन जाएंगे, फिर तो दुनिया के लिए हानि कर। फिर भगवान ने मोहिनी अवतार लेते हैं। बोले श्री मोहिनी भगवान की। ठाकुर जी इतने सुंदर थे, इनकी रूप देखकर झगड़ा बंद। मोहिनी बोली भैया आपस में लड़ रहे क्यों, तुम लोग क्या लगते? बोले दोनों भाई फिर लड़ रहे तो बोले अमृत के लिए। बोले मोहिनी अमृत पिएगा तो तेरे हाथ से। ठाकुर जी बोले देखो मैं अनजान स्त्री, अनजान स्त्री को पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। बोले पिएगा तो तेरे हाथ में, नहीं तो पिएगी नहीं। बोले देख जब मैं अमृत बंटवारा करूंगी बीच में कुछ बोलना नहीं। बोले कुछ भी नहीं बोलेंगे। बोले दोनों लाइन करके बैठ जाओ, पहले ये दैत्य को मैं देवता को ऊपर ऊपर का पानी पानी पिला देती हूँ, जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगी ना, फिर हम दोनों बैठ करके एकांत में पान करेंगे। बोले मोहिनी अगर हमें अमृत नहीं मिला, अगर तू मिल गया तो हमें सब कुछ मिल जाएगी। फिर भगवान ये देवता को अमृत पिलाते 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 सारे अमृत जब खत्म होने जा रहा था, इतने में एक दैत्य ने देखा भैया कुछ गड़बड़ी लग रहा है, हो ना हो इस सबके सब देवता को पिला नहीं दे। चंद्र सूर्य को बीच में बैठ कर उसने पी लिया। फिर चंद्र सूर्य इशारा की तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को बुलाए, उसकी गला काट दी। जब गला काट दिए एक राहु और एक केतु बने, इसलिए चंद्र सूर्य को बीच बीच में ये ग्रास करते हैं। फिर
अमृत पिलाते पिलाते मोहिनी ने सारे अमृत पिला करके कलसी को वहीं फेंक करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई। और देवता लोग तो अमृत पी चुके थे, जैसे केले का पेड़ काटते हैं ना, ऐसे ही उनको काटना शुरू करा दैत्यों को। ब्रह्मा जी ने देखा दैत्य वर्ष समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मा जी आकर के उनको रोके। फिर बलि महाराज ने एक विश्वजीत यज्ञ किया, वो यज्ञ से एक सुंदर रथ निकला, जिस रथ में बैठ करके कोई युद्ध करे तो उनको कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने देवता को मार मार करके भगा दिया। अभी देवता लोग मरते जगत में मारे मारे भटक रहे हैं। अभी इनकी जो माँ अदिति कश्यप जिसको प्रार्थना की मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे मिलेगा, कले एक पय व्रत केवल 12 दिन का तुम करो, भगवान स्वयं बामन बन करके आएंगे, फिर स्वर्ग राज्य प्रदान करेंगे। फिर भगवान श्री बामन रूप में आते हैं, बोले श्री बामन भगवान की जय। जब बामन भगवान आए इतने में इनकी उपनयन संस्कार हुई, बोले बताओ आपको दक्षिणा क्या चाहते हो, बोले मेरे को बलि महाराज से स्वर्ग राज्य मांग करके लाओ। जब भगवान बलि महाराज के दरबार में पहुंचे, बलि महाराज प्रसन्न हो गए, बोले आज तो मेरे जीवन धन्य हो गया है, कितना सुंदर तेजस्वी ब्राह्मण, आप जो कुछ मांगोगे आपका झोली भर दूंगा, कहीं आपको झोली पसारने का जरूरत नहीं। बोले मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले संकल्प करो। जब संकल्प करने जा रहे थे, किसने जाकर के शुक्राचार्य को बोल दिए, बोले तू तो यहाँ सुहास पा में लगे हुए हो, तेरे जो चेले है ना लूटे जा रहे हैं। बोले कौन, बोले बलि। इतने में शुक्राचार्य आ गया, बोले सावधान बलि, देख ये जो है ना, जानते हो ये कौन है। बोले कौन है, बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी वही मोहिनी अभी मोहन बन करके आया, ये तीन पग जमीन नहीं ये त्रिभुवन राज्य को ले लेगा, खबरदार इसको दान मत दिया करो। बलि महाराज तो खुश हो गए, बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू लड्डू, आप स्वयं कहते हो भगवान है, वो तो इच्छा करने पर सब कुछ हरण कर सकते थे, लेकिन स्वयं भिखारी बन करके मेरे पास में आए, इसलिए जरूर मैं ठाकुर जी को जरूर मैं दूंगा। बोले मैं गुरु हूँ, गुरु जी का बात नहीं सुनोगे, बोले नहीं, बोले मैं अभिशाप देता हूँ, जा तू स्त्री भ्रष्ट हो जाओगी। बोले कोई बात नहीं, मैं ठाकुर जी को जरूर मैं दान दूंगा। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर नियम है गुरु जी की बात सुननी चाहिए, सुननी चाहिए कि नहीं, गुरु जी की बात सुननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बलि महाराज ने गुरु मना कर रहा है मत दे, बोले नहीं दूंगा तो जरूर, इन्होंने गुरु जी की बात नहीं सुने, इसलिए गुरु जी ने अभिशाप दिया तो स्त्री भ्रष्ट हो जा। यहाँ प्रश्न आते आए, फिर उन्होंने गुरु जी को फिर क्यों त्याग दिया। शास्त्र में बताया अगर गुरु जी कोई पथ भ्रष्ट हो गए, भक्ति मार्ग छोड़ दिए, भक्ति मार्ग छोड़कर कोई गलत रास्ता में अगर चले गए, तो अगर हमने अनजान में गुरु किया हुआ फिर हम गुरु कर सकते हैं, इसलिए गुरु त्याग दे देनी चाहिए। जहां स्वयं ठाकुर जी आए, गुरु का काम क्या है, तद अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मै श्री गुरुव नमः। गुरु का काम है जो भगवान कण कण में जो व्याप्त है, वो भगवान का चरण को जो दर्शन कराए, वो ठाकुर जी स्वयं आए और गुरु जी कहते ठाकुर को मत दो, बोले कि भैया कौन सा गुरु तुम हो जो स्वयं भक्ति का भक्ति से तुम ठाकुर का भक्ति से हमें विच्युत कर रहे हो। इसलिए पद्म पुराण का श्लोक है, बोले अवैष्णव उपदेष्ट न मंत्र न निरोगज, अगर गुरु जी शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में नहीं हो, अगर वो गुरु जी से कोई मंत्र ग्रहण किया तो कहते भैया निरह में जाओगे। बोले पुनश्च पुनः विधि नाम सामग्री उपयुक्त विधि विधान को साथ में ग्रहयात वैष्णवात गुरु, हमें वैष्णव गुरु ग्रहण करनी चाहिए, अवैष्णव गुरु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए चार वैष्णव संप्रदाय है, श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय। शास्त्र में बताया ये चार वैष्णव संप्रदाय में कोई एक वैष्णव संप्रदाय को ग्रहण करनी चाहिए, वैष्णव संप्रदाय छोड़ करके अगर कहीं मंत्र लिया तो शास्त्र कहता है भगवत प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए श्री बलि महाराज ने गुरु जी को त्याग दिया,
अभिशाप देने पर भी बोले नहीं मैं ठाकुर को तो दान जरूर दूंगा। जब उन्हें संकल्प करने के लिए गए फिर गुरुजी माने नहीं। जब उन्हें संकल्प कर रहे थे गंगा सागर होता ना नाग उसमें पर कीड़ा बनकर बैठी गई। फिर उनने कुश से छेद किया तो एक आग चली गई। गुरुजी भागे। देखो यहाँ पर और एक सिखा देते हैं, अगर कोई धर्म का काम हो धर्म की काम में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कितना अगर किसको भलाई नहीं कर सकते हो कभी किसकी बुराई मत करो हैं, कभी उसकी बुराई मत करनी चाहिए। इसलिए उनकी एक आंख ही चली गई। फिर तो गुरु जी वहां से भाग गए। फिर उनने संकल्प की ठाकुर जी एक चरण से भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक तक चरण पहुंचा। वहां पर ब्रह्मा जी ठाकुर जी के चरण को उन्होंने अभिषेक करके कमंडल में जो रखे वही श्री पतित पावनी माँ गंगा बनी। बोले गंगा मैया की। पर दूसरे चरण को अतल बीतल तलातल पाताल तक पहुंच गया। बोले तीसरा चरण बताओ कहां पर रखे, बड़ा डी घाग रहा था। फिर उन्होंने उनको नाग फांस बंधन में बांध दिए। लेकिन उसको जो पत्नी है ना बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी पत्नी थी। बोले देखो दुनिया ठाकुर का, ठाकुर जी दुनिया ले लिया, आप खुद क्या दिया हो, जब तक खुद को खुद नहीं देते हो थोड़ी देना होता है। बोलो ना मेरे सर पर रखो। पति इतने खुश हो गए। देखो पत्नी दो तरह के, जान को दो तरह के पत्नी कौन है, बोले एक धन पत्नी और एक धर्म पत्नी। बोले धन पत्नी किसको कहते हैं, बोले जब तक पति के पास में धन रहेगा तब तक रहेगा, जब धन खत्म फिर पति को छोड़ दो। नहीं ये नियम नहीं, नियम है हमारी जो हिंदू संस्कृति में पति को ही परमात्मा मानते हैं। अगर कोई पति व्रता धर्म पूर्वक पति की सेवा करे, आप लोग अनुसुईया का नाम सुने होंगे, उनको पति को अभिशाप मिला सवेरे होते ही पति मरने वाले, लेकिन इतने पतिव्रता थी 7 दिन तक बोली अगर मैं एक मन से पति की अगर मैंने सेवा की होगी सवेरे होगा ही नहीं, 7 दिन तक ये सूरज उदय नहीं हुआ। अब सावित्री सत्यवान का नाम सुने होंगे, पति मर गया लेकिन उनको पति को प्राण देना पड़ा। ऐसे पतिव्रता धर्म जो जाजन करते हैं, इतने पतिव्रता धर्म की, इतने महिमा पतिव्रता धर्म जाजन करने की। इसलिए बोलते धर्म पत्नी धन पत्नी धर्म पत्नी। धन पत्नी मतलब होता है धन रहते रहेंगे, धन नहीं तो चले जाओ। लेकिन धर्म पत्नी कौन है, हर समय पति के साथ में कंधे मिला करके सुख दुख में हम उनके साथ में रहते हुए दोनों भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अभी बलि महाराज बड़े खुश हो गए, बोले वाह इतनी अच्छी पत्नी है, अभी तो मैं सोच में पड़ गया तो मैं क्या करूं नहीं करूं, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु ये बताओ दान बढ़ाना दानी बड़ा, बोले दानी बड़ा, बोले आप तो दानी लिया अभी स्वयं दानी बाकी है। बोले बताओ तीसरे चरण कहाँ रखे, बोले सर पर रखो। उन्होंने सर पर रखे तो सारे देवता लोग देख देख के बोले हे भगवान कितने भाग्यवान है जिस चरण को माँ लक्ष्मी हाँ ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, जिन चरण को ब्रह्मा शंकर नारद लक्ष्मी जिस चरण को गोद में लेकर के सेवा करती है, आज वो चरण कहाँ पर है, बोले श्री बलि महाराज का सर के ऊपर में। सारे देवता लोग प्रसन्न होकर के पुष्पों की बौछार की। बोले श्री बलि महाराज की, बोले श्री बामन भगवान की। अभी भगवान बोले बर मांगो, बोले प्रभु उनको सुतल लोक में स्थान दे दिए। बोले प्रभु एक ही बार दो, मैं जब घर से बाहर निकलू आपका दर्शन करो, जब घर में आओ आपका दर्शन करो। बोले तथास्तु, भगवान उसको दरबार बनाए, दरबार बन गए। एक दिन नारद जी पहुंचे वैकुंठ में, देखा माँ लक्ष्मी अकेले। बोले ठाकुर जी कहाँ, बोले पता नहीं गए तो अभी तक आए नहीं। बोले ठाकुर तो विदेश में अपना नौकरी कर लिया। बोले विदेश में नौकरी, कहाँ पर नौकरी, बोले बलि महाराज के दरबार पर। माँ लक्ष्मी ठाकुर को लेने के लिए आए, देखा ठाकुर जी कह रहे जगते रहो जगते रहो। लक्ष्मी बोली यही कसर रह गई थी, क्योंकि भगवान भक्तों का प्रेम में क्या नहीं किए। बोले यही कसर रह गया था दरबार बनने का। बोले ज्यादा बात मत करो, अभी मैं ड्यूटी में हूँ, अभी मैं बात नहीं करूंगा। इतने में बलि महाराज रोज दान देते थे, माँ लक्ष्मी भी उसी लाइन में खड़ी हो गई। लक्ष्मी की बारी आई, बोले माँ को क्या चाहिए, बोले पहले संकल्प करो। बोले भैया एक संकल्प करने वाला तो पहले आया था, अब ये दूसरी कहाँ से आ गई।
बोले भैया संकल्प की क्या बात, मांगो ना जो कुछ मांगना। बोले बगैर संकल्प से मैं मांगूंगी नहीं। जब उन्होंने संकल्प की, बोले देखो मेरे घर में सब ठीक ठाक है, लेकिन घर में एक दरवान की कमी है। मैंने देखा आपका एक दरवान बहुत अच्छा दरवान, वो दरवान को दे दो। बोले बोले ये दरवान को दे दो। वो समझ गए ये कोई साधारण नहीं। बोले पहले ये बताओ आप कौन है। अरे माँ लक्ष्मी स्वयं वहां प्रकट होती है। देखो भगवान भक्तों की प्रेम में कितने वशीभूत हो जाते हैं, बलि महाराज का प्रेम में कितने वशीभूत हो गए। देखो दान किसको दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी को। देखना माँ लक्ष्मी हर समय ऐसे बैठती है, सारा दुनिया लक्ष्मी की कृपा प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी अगर कृपा नहीं होना तो दरिद्र बन जाएंगे। दुनिया लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, लेकिन सारा दुनिया लक्ष्मी की कृपा चाहती है। आज ये माँ लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। भैया दान क्या दे रहे हैं, छोटे मोटे चीज नहीं, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक को दान दे रहे हैं माँ लक्ष्मी को। मतलब बलि महाराज जैसे इतने बड़े भक्त भगवान की कौन हो सकता है जो माँ लक्ष्मी को विश्व ब्रह्मांड का मालिक को दान दे रहे हैं। बोले श्री बलि महाराज की जय। बोले श्री बामन भगवान की जय। अब देखो अभी भगवान कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, अभी बामन भगवान आपके पास में भिक्षा लेने के लिए आएंगे। ठाकुर जी को भिक्षा देने का बड़ा महत्व है। जैसे बलि महाराज ने दो मुठ्ठी चिड़वा दिया ना सुदामा जी ने, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए। अभी ठाकुर जी आपके पास में जाएंगे, कुछ ना कुछ ठाकुर को अब लोग कुछ ना कुछ देना ठाकुर जी को ले आओ। बोले श्री बामन भगवान की जय। बोले श्री बलि महाराज की जय। जय श्री राधे तेरे द्वारि खड़ा भगवान, तेरे द्वारि खड़ा भगवान, भग भगत भर दे भोले, भगत भर दे Oh,
यद्यपि ये चंद्र सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, लेकिन सबसे प्यारी सबसे मीठी कथा किसकी है? बोले भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। जयकार ठीक से नहीं दे रहा, जोर से बोलो, बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री लक्ष्मण भैया की जय। बोले श्री भरत शत्रुघ्न की जय। बोले श्री अयोध्यापुरी की जय। बोले श्री अवधपुरी की जय। बोले जय जय श्री राम। बोले श्री चंद्रवंश में बोले भगवान हमारे श्री बांके बिहारी कृष्ण कन्या श्री चंद्रवंश में आए हैं, हाँ? इसलिए कल हम लोग भगवान राम की बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी भगवान राम की कथा सुनेंगे। अभी भगवान कृष्ण अभी आने वाले हैं। भैया कृष्ण भगवान तो तैयार है ना, सब तैयारी, कौन नंद बाबा कौन है, हाँ, इसलिए बढ़िया करके तैयारी करो, सर पर पगड़ लगा करके, हाँ, और पत्नी को भी चुंदरी सजा करके बढ़िया से, ठीक है। आप लोग है ना, जब कृष्ण छोटा बना मत वहाँ से ना, जिस रास्ता से बीच में सबको थोड़ा थोड़ा फूल दे दो, जब ठाकुर जी आएंगे सबके सब फूल की बौछार करेंगे ठाकुर जी की, इसलिए आप पीछे से ना एक टोकरी में वसुदेव बन करके भगवान को इसी लाइन में ठाकुर जी को लेकर के आना, आप पीछे चले जाना, ठीक है। बोले देखो, ब्रह्मा के पुत्र रूप में श्री कश्यप जी हुए, उसी कश्यप की धारा में श्री होते होते एक राजा आए जिसका नाम था श्राद्ध देव मनु। इनके घर में सारे सुख है लेकिन घर में कोई संतान नहीं, इसलिए राजा बड़े दुखी है। एक समय उन्होंने श्री वशिष्ठ को बुलाए, बोले वशिष्ठ जी मैं चाहता हूँ मेरे घर में एक संतान की जन्म हो। तो वशिष्ठ ने एक पुत्रष्ठ यज्ञ करवाए, लेकिन राजा की मन में इच्छा है घर में बेटा हो, क्यों? बेटा होगा तो राज्य को देखेगा, लेकिन रानी के मन में इच्छा घर में एक बेटी हो, बेटी होगी तो फिर मैया को वो मदद करेगी। जब यज्ञ हो रही थी उस समय में श्री रानी ने पुरोहितों को बोले, देखो घर में बेटी होगी तो मुंह माँ की दक्षिणा मिलेगी, अगर बेटा होगा ना भैया मैं तो कुछ दक्षिणा देने वाला नहीं हूँ। अभी ब्राह्मण लोगों ने सोचा भैया बढ़िया दक्षिणा से मतलब है, देखो पहले ये साइंस कितना एडवांस था, बोले ऋषियों की मंत्र में कितने मंत्र शक्ति थी, ये चीज को देखो। ऐसे मंत्र पढ़ करके यज्ञ करते थे, जो खीर को खाए ना जिसमें बेटा हो जाए, और ऐसे मंत्र पढ़ते थे वो बेटा नहीं होकर के बेटी हो जाए, ऐसे मंत्र शक्ति थी। इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बेटा का मंत्र नहीं पढ़ करके ना बेटी के मंत्र से उन्होंने यज्ञ करवा दिया,
और उससे बनी खीर और रानी को खिलाया तो रानी ने बड़ी सुंदरी एक उन्होंने कन्या की जन्म दिया जिसका नाम हो गई एला। हाँ? अभी राजा ने गए वशिष्ठ के पास में, बोले महाराज मैंने कहा था घर में एक बेटा का जन्म हो, ये बेटी कैसे जन्म हुई? राजा ने पुरोहित को बुलाए, बोले भैया ये से कैसे हो गई? बोले हमारी कोई दोष नहीं, घर में इनका एक मत नहीं, रानी ने हमें आकर के बोली अगर बेटी होगी ना मुंह आगे दक्षिणा मिलेगी, हमारी बढ़िया दक्षिणा से मतलब है। इतने में राजा ने कहा देखो, वशिष्ठ ने कहा देखो ये बच्चा किसका है? इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा देखो घर में अगर बेटी आए ना सारा दुनिया कहते घर में माँ लक्ष्मी आई है। देखना बेटी को जब दान देते हैं किसी रूप में लक्ष्मी रूपा मान कर ये बेटी को दान देती है। अब बताया जो कन्या दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ नहीं। कन्या वालों का हाथ ऊंचा रहता है और बेटे वालों का हाथ नीचे रहता है। लेकिन घर में कोई बेटा आए, कोई कहता है घर में नारायण आया, बोलो कोई कहता है घर में नारायण आया, लेकिन घर में बेटी आए दुनिया क्या कहते घर में माँ लक्ष्मी आई है, अच्छी बात है। घर में बेटी आई अच्छी बात ही है, इसलिए कहते ना बेटी पढ़ाओ और बेटी हैं बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर दुनिया में अगर बेटा बेटा अगर सारा दुनिया हो जाए ये दुनिया रहेगा बोलो? जो पुत्र परिवार सारा दुनिया किससे टिकी हुई? लक्ष्मी माताओं से, माताएं हैं इसलिए सारा दुनिया चल रहे हैं। लेकिन अगर घर में बेटा बेटी हो जाए ना लोग तो दुखी हो जाता है, लेकिन बेटे बेटे हो जाए तो सुखी हो जाते हैं। लेकिन मैंने भैया मैं सारा दुनिया चाहता हूँ, कभी कभी सारा दुनिया में प्राय करके देखा घर में शादी हो जाए ना घर में बहू आ जाए कभी इतने लड़ाई हो जाती है घर में, कभी तो पिता माता घर से निकाल देते हैं और लास्ट में जा करके मैंने देखा बेटी को बास में आश्रय लेता है। मैंने कभी नहीं सुना बेटी को पिता माता को निकाल दिया है, भले ही बेटी चले जाए अपना ससुर घर में वही सही खबर लेती रहती है मेरे पिताजी कैसे हैं मेरे माँ कैसे हैं, वही सही खबर लेती रहती है। इसलिए भैया आप जैसे बेटी को जैसे आदर देते हो बेटे को जैसे बेटी को वैसे आदर देनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा देखो कोई बात नहीं बेटी हुई तो घर में लक्ष्मी आई ना, चिंता क्यों करते हो बेटी को पालने करो। बोले नहीं हमें तो बेटा चाहिए। देखो कैसे ये पहले कैसे ये मंत्र था ऋषियों के पास में, जो बेटी थी ना वशिष्ठ ने उन्होंने ऐसे मंत्र प्रयोग की उन्होंने बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया जिसका नाम हो गया सुदुम्न। जब ये सुदुम्न बड़ा हुआ एक दिन वो संन्यास सामंत लेकर के जंगल में भ्रमण करने गया था। एक जंगल में प्रवेश करते ही जितने घोड़ा सब घोड़ी जितने सैनिक सबके लड़की और जो राजकुमार था ना वो राजकुमारी हो गई, सब के सब बदल गया। बोले भैया ऐसे कैसे हो गई? देखो वो जंगल था श्री भोले बाबा का। एक दिन भोले बाबा को दर्शन करने के लिए चतुसन पहुंचे, उसी समय शंकर पार्वती आपस में मिल रहे थे। हठात चतुसन वहां पर पहुंच गए, मैया पार्वती इतने दुखी हो गई। शंकर जी को बोले ये कोई संसार है जिसकी इच्छा हो मुंह उठाकर जा जाते हैं। शंकर जी अभिशाप दिए आज से अगर इसी जंगल में कोई भी पुरुष प्रवेश करेगा वो पुरुष नहीं रहेगा वो सब के सब स्त्री बन जाएगी। लेकिन इनको पता नहीं था प्रवेश किया तो सब के सब स्त्री बन गए सब के सब। इतने में शंकर जी को प्रार्थना की आप कृपा करो। शंकर जी बोले मैं एक काम कर सकता हूँ, आपका जो बेटा है ना एक महीना तो बेटा रहेगा और एक महीना बेटी बन करके रहेगी, इतना तो मैं कर सकता हूँ। भैया इतना कर दो। जब वो बेटा बने फिर इनकी शादी हुई, उससे जो संतान जन्म हुए है उससे जो संतान कहते सूर्य वंश आया और सूर्य वंश से प्रभु राम आए। जब उसने बेटी थी उनकी शादी भूत के साथ में हुई, फिर जो संतान हुई उनसे वहां से ये चंद्र वंश चला और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आए। देखो ये आश्चर्य चीज देखो, एक व्यक्ति से ही ये चंद्र वंश सूर्य वंश चला और वो दोनों वंश में हमारे जो सनातन धर्म के जो ठाकुर है भगवान राम और भगवान कृष्ण आए।
बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सियावर रामचंद्र की जय, श्री भवन सुत हनुमान की जय। अभी भगवान कृष्ण आने वाले हैं, बल अभी ये पृथ्वी के ऊपर में कंस ने इतने अत्याचार की सारा दुनिया में टहलका मचा दी। अपना पिता को इन्होंने बंदीशाला में बंद कर दिए। बोले मेरे देश में कोई कीर्तन नहीं कर सकते हैं, मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं, जो यज्ञ कीर्तन करेगा उसको मैं जेल में खाना में बंद कर दूंगा। सारे साधुओं को जेल में बंद कर दिया और संतों लोगों को जेल में बैठी बैठी करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद सबके सब खीर समुद्र के तट पर गए। पुरुष सुक्त मंत्र से भगवान की आह्वान की आकाशवाणी हुई, देवताओं चिंता मत करो, तुम्हारी दुख को मैं समझ गया हूँ, जाओ तुम लोग सबके सब जदुवंश में जन्म लो। हे देवियां, तुम लोग सबके सब गोप गृह में गोपी बन करके आओ। अभी भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करने वाले यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिकीत, ये जो कृष्ण कथा है बड़ा मधुर है। कृष्ण कथा जैसे मधुर दुनिया में कुछ है नहीं। कहते जैसे तीन गंगा है। बोले भैया तीन गंगा कहाँ पर? बोले एक आकाश में गंगा जिसका नाम मंदाकिनी, कहते ये स्वर्ग लोगों का कल्याण करती है। कहते ये मरते जगत में एक गंगा है जिसका नाम भागीरथी, ये पृथ्वी लोगों का कल्याण करती है। तीसरी गंगा पाताल में जिसका नाम भोगवती, ये पाताल लोगों को कल्याण करती है। उसी तरह गंगा तीन है, उसी तरह जो भगवान की कथा ये भी तीन लोगों को कथा पवित्र करती है। सुनने वाले, सुनाने वाले और श्री प्रश्न करने वाले। कृष्ण कथा इतने मधुर इतने मीठा है, कहते जो आत्मा में रमण करने वाले लोगों को भी बरबस आकर्षण करता है। इसलिए अगर कोई भवसागर से पार होना जाना चाहते हैं, सबसे मीठी दवा ठाकुर की कथा। ठाकुर की कथा सुना, कथा सुनते सुनते ही बड़ा पार हो जाएगी। अभी एक दिन श्री कंस अपना बहिन को वसुदेव को साथ में शादी कराया। शादी करा के जब उनको विदाई दे रहा था, बीच में आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा ये तो देवता का वाणी है, कभी झूठी नहीं होगा। इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसने मयाने से तलवार निकाले, देवकी को जो मारने जा रहा था वसुदेव सोचा किसी तरह से देवकी को बचाओ। साम दाम दंड भेद से समझाने के लिए कोशिश की। कंस सुनाए नहीं, कहा देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सारे बच्चे मैं तेरे को दे दूंगा, तू सब बच्चों मार देना, लेकिन ये देवकी को मत मार, ठाकुर को इच्छा है। उसने छोड़ दिया। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई। बोले क्यों? बोले भगवान कब आएगी जब पाप की घड़ा भरेगा, लेकिन इसकी हृदय में तो दया की भावना आ रही थी।
फिर ठाकुर आने में तो देर कर देंगे। फिर नारद जी बिना बजाते बजाते आए, कंस को बोले देखो मैं अभी अभी स्वर्ग से आ रहा हूँ। देखा ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, जानते हो क्या मीटिंग कर रहे थे? ये जितने जदुवंशी और कोई नहीं देवता लोग हैं, ये जितने गोपी को नहीं सब देवी हैं, ये सबके सब प्लान करके जन्म ग्रहण के तेरे को मारने के लिए। तब उन्होंने कमल फूल लाए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। बोले बोलो तो देखिए इसमें 8वां नंबर कौन और इसमें 1वां कौन? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उल्टा गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले समझ में आ गया? बोले नहीं। बोले इतनी सी बात समझ में नहीं आया? बोले कैसे समझ में आएगी? बोले देखो तू तो उधर से 1 2 कर रहे हो, अगर वो देवता लोग अगर उल्टा से गिने ना, जिसको 1 कर रहे हो 8 हो जाएगा, और जो 8 है ना 1 हो जाएगा है? और जब धीरे 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 8 बच्चे बड़े होंगे, सब मिलकर के तेरे को मारेंगे। बोले गुरु जी फिर मैं सबको मार दूं? बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरा काम जानता है। उसको उन्होंने भड़का दिया और नारद तो वहां से भाग गए। जब भाग गए कंस ने एक एक करके 6 बच्चों को मार डाले। भैया संत ने बच्चों को क्यों मरवाया? बोले इनकी पूर्व जन्म की बात इनको पता है, ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा का मानस पुत्र थे। इन लोगों ने ब्रह्मा एक समय की सुंदरी लड़की को सृष्टि की और स्वयं उसको पर मुग्ध हो गए। पीछे उन्होंने भागे थे, इन लोगों ने हंसी उड़ाई थी, उन्होंने ब्रह्मा जी अभिशाप दिए थे 3 जन्म तक पिताजी के हाथ में मरकर के मुक्ति मिलेगी। इनकी 2 जन्म हो गई, इसी जीवन में जल्दी मरेंगे तो उनकी मुक्ति मिलेगी, इसलिए उन्होंने मरवाया। हाँ देखो ध्यान देकर सुना, भगवान कृष्ण ये अष्टम गर्भ में क्यों आए, इसका क्या रहस्य है, ये चीज को अच्छा तरह समझ लो। और ये 6 पुत्र कौन है, ये इनको कंस मारा क्यों, ये कंस है कौन? बोले कंस मतलब होता है भाई, और 6 पुत्र मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। भगवान शिक्षा देते हैं, अगर भगवान को हृदय में बैठना चाहते हो पहले क्या करो, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो 6 रूपी है पहले इसको खत्म कर दो। फिर खत्म करने के बाद सप्तम गर्भ में कौन आए? बोले दाऊ भैया। बोले ये दाऊ भैया कौन है? बोले ये पृथ्वी स्वरूप, पृथ्वी स्वरूप जो भगवान को धाम स्वरूप में उनको धारण किए। बोले अष्टम गर्भ में कौन आए? बोले भगवान श्री कृष्ण के नहीं आए। बोले श्री कृष्ण के नहीं आ लाल की जय। देखो ये एक अर्थ है, इसके दूसरी अर्थ को समझो, ध्यान देकर सुनो, ये काम की बात है। भगवान क्यों अष्टम गर्भ में आए, कल मैं सबको पूछूंगा, देखूंगा कौन इसका उत्तर दे सकता है। आज मैं बोलूंगा, कल आपसे सुनूंगा, ध्यान देकर सुनो। भक्ति का जो जैसे 1 2 3 4 5 होता है, उसी तरह भक्ति की भी 8 स्टेजेस हैं। भक्ति का सबसे पहला स्टेज कौन? श्रद्धा। श्रद्धा होगा जैसे आप लोग को अंदर में श्रद्धा है तभी तो यहाँ पर बैठे हो, श्रद्धा नहीं हो तो थोड़ी बैठते हो। इसलिए भक्ति का सबसे पहला स्टेज श्रद्धा, जैसे यहाँ पर बैठे हो। दूसरा स्टेज साधु संगत, जब श्रद्धा होएगी, जब आएंगे कथा सुनेंगे संतों की संग सुनेंगे, हाँ इसलिए कहते हैं ना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। दूसरे जो स्टेज है साधु संग, जब साधु संग में कृष्ण कथा सुनेंगे फिर पता चलेगा भैया मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए, ये दुनिया क्या है, मेरे को पिताजी के पिताजी गए क्यों, एक दिन क्यों जाना पड़ेगा, अगर ये हमारे परिवार होते तो एक एक को छोड़ना क्यों पड़ता है, क्यों छोड़ना पड़ता है, अभी ये सब ज्ञान साधु संग से होता है। जब फिर जीव को पता चलेगा मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुकरासी, हम सब सब भगवान के संतान ठाकुर जी के हम बच्चे हैं। जब ये चीज हमें पता चलेगा फिर हम क्या करेंगे, तीसरा जो स्टेज है भजन क्रिया, फिर हम भगवान की भक्ति करना शुरू कर देंगे। जब भगवान की भक्ति करेंगे, बोले भैया चौथा स्टेज क्या है, बोले अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे, हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, जितना परिमाण में भक्ति करेंगे उतना परिमाण से ये सारे अनर्थ हैं, ये सब गंदी चीजें हमारे हृदय से
दूर होते जाएगा। बोले पंचमा स्टेज क्या है? पंचमा स्टेज है रुचि। रुचि मतलब क्या है? जैसे अगर बोले ना भैया एक माला जप कर भगवान की भजन करो, बोले समय नहीं। टीवी में कोई सीरियल आए ना, देखना तीन तीन घंटा बैठ कर देख देते। सीरियल क्या? झूठा, सफेद झूठे, झूठे चीज को उन्होंने रूप का दे दिया। देखना तीन तीन घंटा बैठ बैठ कर देख लेते, गंदी गंदी चीज तीन तीन घंटा बैठ कर देखते हैं। लेकिन जब बोले भैया एक माला जप करो, बोले समय कहाँ है। हाँ, ये चीज को समझो। संत कहते हैं, आप लोग मिश्री खाए हो? कौन कौन मिश्री जीवन में खाए, हाथ उठा। आप लोग ये बताओ मिश्री क्या कैसे लगता है? मिश्री मीठी लगती है, लेकिन मिश्री किस किस को कड़वी भी लगती है? मिश्री तो मीठा, लेकिन किस किस को कड़वी कड़वा भी लगता है? बताओ किसको मिश्री कड़वा लगता है? कौन बोलेगा, हाथ उठाओ, बोले जोर से। पीलिया वाले को, जिनको पीलिया की बीमारी, जंडिसी का बीमारी हो जाए, देखना वो जो भी खाए उसको कड़वा लगेगा। उसी तरह उदाहरण देते हैं भागवत में, भगवान की जो नाम, भगवान की भक्ति, इससे मीठा दुनिया में कुछ नहीं। सबसे मीठा ज्यादा भगवान की नाम। अभी प्रश्न है, फिर हमें भगवान का नाम मीठा क्यों लगता है? ये कड़वी क्यों लगता है? दूसरे चीज को देखो, तीन तीन घंटा देखते, पांच दस मिनट भी भजन में मन नहीं लगता। कार्य किया कहते हमें बीमारी हो गई, कौन सा जंडिसी, हमें पीलिया की बीमारी हो गई। मतलब क्या, हमारे हृदय में इतने पाप हृदय में भगवान के नाम में रुचि नहीं होता। जब श्री नारद जी वाल्मीकि को बोले दशरथ ना कर को, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, लेकिन उसका मुंह से राम का नाम नहीं निकला। क्यों? पापी है। कहते पापियों को मुंह से भगवान के नाम नहीं निकलता हैं। इसलिए बोले भैया तू बोलता था मरा मरा, बोले हाँ, बोले मरा मरा बोल सकते हो, बोले हाँ तो मरा मरा बोल सकता हूँ। अगर उसने उल्टा नाम जपते जगह जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करो मनि मन माही। इसलिए अगर वो उल्टा मरा मरा करते करते वाल्मीकि दशरथ ना कर से वाल्मीकि हो सकता है, अगर हम सीधा नाम करेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमारे अंदर में पाप है, फिर क्या करनी चाहिए? बोले क्या नाम छोड़ दो? बोले नहीं भैया, मन नहीं लगे तभी माला लेकर बैठो, हरि नाम करो, धीरे धीरे ठाकुर का नाम जप करो, करते करते जितने तुम्हारे पाप खत्म होती जाएगी ना, उतना भगवान के नाम में स्वाद आने लग जाएगी। इसलिए उसका जो छठवां स्टेज है, पंचमा स्टेज रुचि, छठवां स्टेज निष्ठा। देखो ये चीज को समझो, निष्ठा मतलब होता है भक्ति में इतने पक्की बन जाती है। इसको बाद में जैसे मीराबाई नाम सुने, मीराबाई की जब मीराबाई ने भजन की, इसका पूरा परिवार उसको पीछे पड़ गए, उनको जहर भी पिलाया, सांप भी उनको फूल माला बोलकर सांप भी छोड़ दिए, लेकिन सांप भी सालग्राम हो गया, जहर भी पिलाया, लेकिन जब तक गिरिधर लाल को भोग नहीं लगा तो कुछ खाती नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाया, अमृत बन गए हैं। उसको ऊपर में कितने अत्याचार हुई, प्रहलाद को ऊपर में कितने अत्याचार हुई, लेकिन प्रभु का भजन कभी नहीं छोड़े। निष्ठा कहते हैं भले ही दुनिया में जो कुछ हो जाए, भले ही दुनिया छूट जाए, लेकिन वो भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ता है, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ती है। लेकिन हम क्या जानते हो, अगर भक्ति कर रहे हैं, अगर थोड़ी बड़ी कोई विपत्ति आ जाए ना, कि जो माला गुरु जी ने दिया पहले ये माला छोड़ दिया, अपना खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, ये माला सबसे पहले माला ही छोड़ देंगे। मतलब माला छोड़ने के लिए पहले से हम तैयारी बैठे, पहले माला कैसे छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं छठवां स्टेज आ जाए ना, भैया प्रभु का भजन कभी नहीं छूटेगा, ठाकुर जी की भक्ति नहीं छूटेगी, ये कहते हैं निष्ठा। उसको बाद में भाव आता है रुझान, उसको बाद में जब भावावस्था में, ये सप्तम स्टेज में बलदेव प्रभु आए। ये भावावस्था मतलब जब भाव अवस्था आएगी, कभी कभी ठाकुर की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, कभी कभी ठाकुर जी का, कभी कभी ठाकुर जी की, ठाकुर जी के चरण की नुपुर की झंकार की आवाज आएगी, कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी हमें अमृत पिला कर गए हैं, कभी कभी उसको ऐसे लगेगी जैसे ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए। ये कहते हैं भावावस्था है।
और अष्टम स्टेज प्रेमावस्था, प्रेमावस्था मतलब होता है जहाँ साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ये अष्टम गर्भ में ठाकुर जी आए। अभी ठाकुर जी जन्म लेने वाले, देखो आज तक कृष्ण जन्म ले रहे हैं। आप लोग कौन सा रंग के कपड़े पहन करके आए हो, जोर से बोला। कल श्री राधा रानी जन्म लेगी, आप लोग सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन करके आए। आज दिखता है गुलाबी गुलाबी देख कर दिख रहा है। कल राधा रानी ये प्रेम का रंग गुलाबी रंग है और राधा रानी प्रेम का स्वरूप है, तब सबके सब गुलाबी रंग की साड़ी पहन करके आना। हाँ, और एक अनाउंसमेंट है, कल हमारे गुरु जी का जो गुरु जी है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी में हरि भक्ति को प्रचार की, जिसकी वजह से आज हम भजन कर रहे हैं, कल उनकी तिरुभाग है। वो शरीर छोड़े थे, हमारा जो 12 सेक्टर बरात घर के सामने कल सवेरे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक उनकी कथा पुष्पांजलि प्रसाद होगी। बड़ी अच्छी अच्छी कथा होगी, इसलिए हमारे भक्त लोग तो जरूर वहाँ पर आना, ठीक है ना। 12 सेक्टर बरात हॉल के सामने वहीं पर हमारे मंदिर ही है, इसलिए कल सवेरे से 9 बजे तक 12 बजे तक होगा। इसलिए जो आना चाहे हमारे भक्त तो जरूर आयो, और जो आना चाहे आप लोग को स्वागत है। बड़ी सुंदर कथा प्रसाद मिलेगा। अभी भगवान जन्म लेने वाले पृथ्वी एक दुल्हन के भांति सज गई, फूल फाल से लद गई, सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे, सारा पृथ्वी सारे देवता लोग आकाश मार्ग में ठाकुर को स्वागत कर रहे थे, और बड़े सुंदर सुंदर यमुना नदी कलकल नाद से बह रही थी, और सारा दुनिया में जय जयकार हो रही थी। और इतने में भगवान कृष्ण स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। ले आओ भैया भगवान को, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री नंद के लाला की, श्री कृष्ण कन्हैया की। कोई खड़े मत हो, कोई खड़े नहीं होना, सब बैठे, सबके सब बैठो। वो वहीं से ठाकुर जी को पुष्प की बौछार करो वहीं से। अभी सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर के भगवान कृष्ण की जय जयकार कीर्तन और बधाई, भगवान की बधाई गा रहे हैं। भैया बधाई बोली, नंदी की लाला की जय, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरि बोल। देखो एक एक बात भी याद रखो, जो लोग सोने की कोई चीज पहन करके आए हो ध्यान रखो, बोलना नहीं बाबा ने कथा की सोने चोरी हो गई, कोई बदनामी हमारे नहीं होनी चाहिए। जो कोई सोने की कोई भी चीज धारण करके आए हो, अपना सोने का चीज स्वयं रखवाली करना। और अच्छे तरह से सुना, कोई भी भगवान की कथा में चोरी करोगे ना, एक जन्मनी जन्म जन्मांतर का दरिद्र बन कर रहोगे, माँ लक्ष्मी कभी कृपा नहीं करेगी। इसलिए कोई बहुत सारी जगह पे चोरी हो जाती है, ठीक है। अरे प्रभु जी बधाई गाएंगे, जो लोग नाच सके वही लोग ही खड़े होकर नाच रहे हैं। दे दरी मैया बधाई, दे दरी मैया तेरी 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 भौदिया, बधाई दे बच्चे को रखवाली करना। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको ठीक से देखो, ज्यादा उसको उसको कोई प्यार में कोई हाथ मत लगाओ, दूर दूर से उनको प्रणाम करो, वही से दर्शन करो, चरण छूने का कोशिश मत करो। छोटा बच्चा है, दर्शन कर ठाकुर जी को। Thank you.
कढ़ी चावल क्या व्यवस्था है? जिन्होंने कढ़ी चावल दिया उनका नाम क्या है? बल्ले पहलवान, बल्ले पहलवान प्रभु जी इधर आ जाओ। आज इन्होंने सभी के लिए कढ़ी चावल की व्यवस्था की, आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर जी इनको खूब कृपा करे, आशीर्वाद दे, ये खूब फलते फूलते रहे, क्योंकि आज ठाकुर जी जन्म हुए ना, ठाकुर का जन्म तिथि में कोई चीज देना साधारण बात नहीं, लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। अगर अभी और चार दिन की कथा है, कितना दिन, तीन दिन की कथा है, अगर भी कोई देना चाहते हो कुछ कुछ चीजें अगर दोगे रोज रोज, आपके लिए रोज रोज प्रसाद की व्यवस्था होगा। अगर कोई कोई व्यक्ति अगर कोई थोड़ा चावल, कोई दाल, कोई कोई चीज दोगे ना, अभी तीन दिन तक प्रसाद चलेगी। अगर कोई देना चाहते हो थोड़ी थोड़ी दे सकते हो, जैसे तीन दिन तक प्रसाद चलेगा। और 19 तारीख को, 18 तारीख को समाप्त है ना, 19 को भंडारा है, क्यों 18 क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ ठीक है, 18 को भी है और 19 को भी भंडारा है, इसलिए बीच में 2 दिन ही है, अगर कोई दोगे तो 2 दिन भी उत्सव होगा। ठीक है, महाराज जी सूखी सूखी बताए ना आज सूखी। प्रभु जी इधर आज नंद जसोदा बने हैं, अरे पंडितों को कुछ बधाई देनी चाहिए। नाची नाची की गावे बधाई बने नौजवान, नाची नाची की गावे बधाई बने नौजवान, ओ कंजूसी की गाँव चले राधे मोकर गाड़े, ओ कंजूसी के गाँव चले राधे मोकर गाड़े। तेरी गोद में आयो नाच सदाई, तेरी गोद में आयो नाच सदाई।
Thank you.
मत दो प्रभु, देंगे तो इसी करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, और मत दो प्रभु जी, चॉकलेटों को पीछे ले जाओ, लजेंस को पीछे ले जाओ सबको। हाँ बल्कि अभी कुछ नहीं, मत दिया करो माता जी, अभी मत दो, देंगे तो इसी लड़ाई करेंगे उसको। माता जी माता जी माता जी अभी मत दिया करो, कोई चीज बांटेंगे तो इसी होगा, कोई चीज बांटेंगे तो इसी होगा। अभी कोई चीज मत दो, प्रसाद को साथ में सब दे देना, कीर्तन कर लो। अभी कोई चीज मत दो, कोई चीज मत दो, सब बैठ जाओ, सबके सब बैठ जाओ। अभी कोई चीज को मत दो, इसलिए जब प्रसाद देंगे ना, जो यहाँ बच गया वो प्रसाद में सब दे देंगे, सबको मिलेगा प्रसाद में दे देंगे, इसलिए अभी कोई चीज मत बांटा जाए। आप प्रभु जी प्रभु आरती कर दो, आरती करो। बच्चों हटाओ, हेलो भैया, आरती बाबू के नाम बोले जा रहे हैं, आरती के लिए आगे आए। मेरे तो कहाँ है, हेलो पंडितानी आंटी, हेलो डॉक्टर साहब सीएम शुक्ला जी, बच्चों पीछे चलो, चलो आरती बैठो नीचे, डॉक्टर सीएम शुक्ला जी, एडवोकेट मुकेश गिरी जी, मुकेश गिरी जी और चौधरी गजेंद्र चाह जी, चौधरी गजेंद्र चाह जी, माता जी भी रंजी जी सारे लोग, और श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, अरे पीछे कर दो, और मुन्ना जोशी जी उपरण पुनीत भाटी, चौधरी महेंद्र सिंह जी, चौधरी महेंद्र जी, आरती होगी माता जी, जिन मान बाबाओं के नाम बोले जा रहे हैं वो आरती के लिए मंच पर आ जाए। चौधरी बल्ले पहलवान जी, हम अपनी जाट समाज विकास समिति होना के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने व्यवस्था को बनाए रखा, और मैं चाहूंगा कि सभी अपनी व्यवस्था को संभाले और जो पटांग तरीके से खड़े हुए हैं सभी को बिठाएं, आराम से आरती का समय हो रहा है। चौधरी योगराज जी, चौधरी गजेंद्र शाह जी, चौधरी योगराज जी प्रभु, चौधरी गजेंद्र शाह जी प्रभु, श्री विशंबर फौजी जी प्रभु, पृथ्वीराज डागा जी प्रभु, चौधरी कर्मजीत सिंह जी प्रभु, चौधरी विजेंद्र सिंह जी प्रभु, श्री खूबचंद जी प्रभु, चौधरी सुखपाल जी प्रभु, चौधरी बलबीर सिंह जी प्रभु, चौधरी बीपाल सिंह जी प्रभु, अयोध्या पंडित जी प्रभु, चौधरी ओम प्रकाश जी प्रभु, श्री हेमंत ज्योति जी प्रभु, डॉक्टर आर पी सिंह जी प्रभु, चौधरी पंकज जी प्रभु, चौधरी हरेंद्र सिंह जी प्रभु, चौधरी जयप्रकाश जी डागर प्रभु, चौधरी कुणाल जी प्रभु, चौधरी मुकुल चौधरी जी प्रभु, चौधरी रघुराज जी प्रभु, सभी का आभार व्यक्त करते हैं हमारी टीम के सदस्य, और जो भी भाई रह गए हैं उनसे क्षमा चाहूंगा, एक का नाम नहीं जो बोला गया है क्योंकि, और सभी से अनुरोध है कि आराम से बैठ जाएं, आरती का आनंद लें। आरती बाल कृष्ण की बाबा की अखियां को
गुब्बारा है ना, गुब्बारा कोई छोड़ना नहीं। अभी चार दिन तक उत्सव होगी, अभी चार दिन तक कोई भी गुब्बारा में हाथ मत लगाना, भगवान के लिए अभी चार दिन उत्सव होगा। कल राधा रानी जन्म लेंगी, ये टॉफियां उधर बटेगी, चलो सबसे बड़ी पूजा गोवर्धन, और लास्ट में भगवान बाकी भी आई के साथ ही है, ठाकुर जी के साथ ही। चार दिन में उत्सव चलेगा और चार दिन तक प्रसाद चलेगा। सबके सब अगर हाथ उठाओ, सबके सब हाथ उठाओ, बबिताई गौरु हरि, हरि 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 जो जितने ऊंची छलांग लगाएगी उसका घर में उतना बढ़ोत हो, उतना फूल में उतना धन दौलत उसका बढ़ जाएगी, क्योंकि ठाकुर भजन में छलांग लगा रहे हैं। और इतना जोर से छलांग लगाने छात्रों को छू रहा है, ठीक है, जोर से जब तक सब छलांग लगाओगे मोटे से मोटे हो, सब पतले हो जाओगे, पतले से मोटे हो जाओगे, सबके सब हाथ उठेंगे, सबके सब मेरे साथ में देखो, मैं सब नाच रहा हूं। नी ताई गौर हरि गो, 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 और एक बार लास्ट तक, ठीक है, और एक बार मेरे साथ में नी, हरि बोल।